तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। देखो यार, सारे पेपर अभी पास में आ रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है पेपर, तो अब आप लोगों को रिवीजन के लिए कमर कस लेना चाहिए। और ये रिवीजन जो है आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। आप लोगों ने सुना होगा कि शांति में अगर पसीना बहा ले प्रैक्टिस करने में, तो जब लड़ाई में आप लोग जाओगे तो खून नहीं बहाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग इतनी शानदार प्रैक्टिस कर चुके होंगे उस टाइम पर कि जब आप लोग बैठोगे जाकर एग्जाम में, या फिर जिसको नॉर्मली लड़ाई बोला जाए आज की डेट में, क्योंकि एग्जाम भी एक लड़ाई की तरीके से हो गए हैं, तो वहां पर आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे, अपना जो भी आप लोग टारगेट लेकर गए हो उसको आप लोग अचीव कर पाओगे। तो इसलिए हमेशा शांति में पसीना बहा लेना चाहिए, ताकि एग्जाम में जाकर बैठो तो फिर खून के आंसू न रोने पड़े। तो ये इस सीरीज की हमारी 15वीं वीडियो है। मैंने मई 2020 से स्टार्ट किया था, अभी हम लोग खड़े हुए हैं बेसिकली जुलाई 2021 में। तो टोटल मिलाकर 15वीं वीडियो है ये आप लोगों के सामने इस रिवीजन की सीरीज में। एक वीडियो को जो पीपीटी बनाने में लगभग 8 घंटे लगते हैं, और लगभग इसी तरीके से रिकॉर्ड करने में आप लोग बोल सकते हैं कि लगभग 2 घंटे से ज्यादा ही लगते हैं। ठीक है, 2 घंटे की वीडियो अगर हो जाए तो 2 घंटे से ज्यादा ही लगते हैं। तो इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं कि ये जो मैंने सारी वीडियो तैयार की है, इनमें मैंने कितने घंटे अपने दिए हैं। तो यार, उन घंटों का अगर मूल्य आप लोगों को चुकाना है तो उसका सबसे शानदार तरीका यही है कि इनको अच्छे से आप लोग रिविजन कीजिए और अपना सिलेक्शन लेकर आइए, तभी इन इतने सारे घंटों को आप लोग यूज मानेंगे कि हाँ, इनका कोई यूटिलाइजेशन हुआ है। वरना एक तो होता है टाइम में इन्वेस्ट करना, एक होता है टाइम को वेस्ट करना। अगर आप लोग इसको ढंग से यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो इनडायरेक्ट वे में बोलूँ तो आप लोगों ने टाइम को वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, ढंग से यूटिलाइज कीजिए जो भी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, और उसको इस तरीके से आप लोगों को देखना है कि हाँ यार, ये अपना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इससे कम से कम नहीं छूटेगा जो मैंने पढ़ लिया है। तो उस तरीके से आप लोगों को चीजों को तैयार करना है। जिस किसी ने अब तक पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है, उनका भी आप लोग रिविजन कीजिएगा। सारी पीडीएफ अब तक की मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा रखी है, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। ये जो वीडियो रहती है काफी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि 1 महीने के अंदर जो भी चीजें कवर की जाती हैं बेसिकली न्यूज के अंदर, वो सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देखने को मिलती है। होता क्या है, आज की डेट में जैसे कि जो भी न्यूज है, नेशनल, इंटरनेशनल, या फिर पर्सन स्पेसिफिक न्यूज, या फिर कल्चर की कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन, पर्सन इन न्यूज, मतलब जो भी आप लोग काउंट कर सकते हैं कि 1 महीने के अंदर जो न्यूज आती है, वो सारा मिश्रण आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगा। कई सारे कॉन्सेप्ट भी रहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, इवन इंटरव्यू के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। तो एक तरीके से जो हमारे इस चैनल पर आप लोगों को जो 2 वीडियो देखने को मिलती है, तो निचोड़ आप लोग बोल सकते हैं, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, अगर आप लोगों से आप लोगों ने करंट अफेयर आज तक उठाकर नहीं देखा है, ये वीडियो अगर देखकर आप लोग चले जा रहे हो, तो आप लोग एग्जाम में कंफर्टेबल फील करोगे। आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा यार, ये क्वेश्चन तो सुना ही नहीं था। तो इतना तो कम से कम कोशिश की जाती है इस वीडियो के अंदर। बाकी अगर देखिए रेगुलर अगर आप लोग दोनों वीडियो देखकर चल रहे हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बेसिकली शाम को आती थी, अब ये सुबह को आती थी पहले, अब ये शाम को आती है। लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगी शाम को ये 9 बजे करीब, ठीक है, और ये सुबह को अब 7 बजे कर दिए, तो इनका टाइम चेंज हो गया। ये पुराने टाइम इसके हुआ करते थे। ये 2 वीडियो अगर आप लोग रेगुलर देखकर चल रहे हैं, तो आप लोगों को करंट अफेयर में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए वो होता है कि एक तरीके से तो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, एक तरीके से कि यार कुछ नहीं किया, चलो कुछ कर लेते हैं, पर लेकिन असलियत में अगर आप लोग फॉलो करते हैं इन दोनों वीडियो को, तो करंट अफेयर की मैं गारंटी ले सकता हूं लिखकर पेपर के ऊपर कि करंट अफेयर तो आप लोगों को कम से कम नहीं छूटने दूंगा। तो इतना कॉन्फिडेंस आप लोग बोल सकते हैं, इसको ओवर कॉन्फिडेंस मत बोलना, इसको कॉन्फिडेंस बेसिकली, क्योंकि उस तरीके से चीजें कवर की जाती है इन दोनों वीडियो के अंदर। नहीं यकीन आता है तो आज जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आज की ही वीडियो उठाकर देख लेना, आप लोगों को कंटेंट की क्वालिटी समझ में आ जाएगी क्या किस तरीके चीजें पढ़ाई जाती हैं। बाकी ये यहां से जाकर टेलीग्राम से आप लोग सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीजें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी के लिए भी आप लोगों को 1 रुपया पे नहीं करना है, यहां से सारी चीजें जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो थी बेसिक इंफॉर्मेशन। स्टार्ट करेंगे एक शानदार न्यूज के साथ में, जो कि चांस है कि एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो क्रिप्स तरीके से आप लोगों को बेसिकली न्यूज कवर की जाती है, ताकि कंफ्यूजन एग्जाम में कोई भी आप लोगों का ना रहे, ठीक है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 2 घंटे के लगभग वीडियो चलेगी, 1.5 से 2 घंटे के। तो आप लोगों को पेटी बांध लेनी है अपनी, इस तरीके से कि इंजॉय करना है, जैसे मूवी नहीं देखते हैं बैठकर। करंट अफेयर से प्यार हो जाएगा यार, अगर करंट अफेयर को समझना स्टार्ट करोगे, रटना स्टार्ट करोगे, तो करंट अफेयर को पढ़ पढ़ के दीवार में सर मारोगे, और दीवार में खुजली, वो दीवार में नहीं, सॉरी, सर में खुजली हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमेशा करंट अफेयर को समझने की कोशिश करो, एक तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, और अंडरस्टैंडिंग हमेशा लंबी चलती है। रटी हुई चीजें लंबे समय तक आप लोग याद नहीं रख पाते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आप लोगों को उस चीजों को समझना पड़ता है, उसके साथ टाइम व्यतीत करना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि 1.5 से 2 घंटे में अगर आप लोगों को 1 महीने का करंट अफेयर अच्छे तरीके से मिल रहा है, तो आप लोग कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। और जो रेगुलर 2 वीडियो देख रहे हैं, उनका तो शानदार रिवीजन होगा, उनके लिए तो सोने पे सुहागे वाली बात हो गई। अगर आप लोग यहां से दोनों वीडियो रेगुलर देख रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहली न्यूज देखते हैं और फिर आगे सारी न्यूज देखेंगे एक एक कर।
काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहाँ पर बात की जा रही है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। आप लोगों को पता है अभी हमारी कंट्री में रिसेंटली दो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नई ऐड की गई हैं। तो ये जो नई ऐड की गई हैं, ये कौन कौन सी ऐड की गई हैं, इसके बाद में हमारी कंट्री में टोटल कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई हैं, किस किस कैटेगरी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिवाइड किया जाता है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को इस छोटे से पीपीटी में एक जगह आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 40 हो गई है। 40 में जो लेटेस्ट अभी जुड़ी है वो है धोलावीरा गुजरात के अंदर में, ये 40वें नंबर की है। तो जो सुपर 40 कंट्री है यानी कि जिनके पास में टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें इंडिया का भी नाम अब शुमार हो गया है। इसके अलावा कौन कौन है इंडिया के अलावा इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, इटली है, स्पेन है, जर्मनी है, चाइना है और फ्रांस है, ये अब यहाँ पर इंडिया भी आ गया है। तो ये 6 कंट्री है जिनके पास में 40 के करीब यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अपनी कंट्री में अगर आप लोग बात करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो टोटल मिलाकर 40 है, पर लेकिन क्वेश्चन थोड़े तिगड़म पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से। पूछ लेंगे 40 तो है पर लेकिन ये बताइए कल्चर कितनी है, नेचुरल कितनी है या फिर मिक्स कैटेगरी में कितनी आती है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि 32 तो आप लोगों को देखने को मिलेगी कल्चर कैटेगरी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की है उसमें 32 आप लोगों को नजर आएगी। अभी रिसेंटली जो ऐड की गई है वो भी आप लोगों को कल्चर में ही देखने को मिलेगी, जैसे कि धोलावीरा हो गया तो कल्चरल एक तरीके से हमारी पुरानी कल्चर को दिखाती है ना ये, ठीक है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट जो इससे पहले वाली ऐड हुई थी वो थी रामप्पा टेम्पल कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर में, तो ये ऐड की गई थी यहां पर इसके द्वारा। टोटल 39 हो गई थी इसको ऐड करने के बाद में, अब टोटल 40 हो गई है। तो 32 तो है कल्चर, 7 है नेचुरल, 1 हो गई है मिक्स, तो टोटल मिलाकर 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारे देश में हो गई है। अब आप लोगों के लिए छोटा सा एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को जाकर देखना है कि जिस भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं आप लोग देखिएगा आप लोगों के राज्य के अंदर कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और उनको एक बार कमेंट बॉक्स में आकर लिख लेना, तो आप लोगों को लंबे समय तक उसको याद रख पाओगे, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना। तो ये चीजें आप लोग जरूर किया कीजिए या फिर अपनी कॉपी में लिखकर रख लीजिए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों के स्टेट के अंदर कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो बताइए आप लोगों के स्टेट के अंदर कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये तो हो गई देखिए एडिशन की बात, अब थोड़ा सा करते हैं सब्ट्रैक्शन की बात। तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। रिसेंटली अभी यहां पर यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा अभी लिवरपूल, तो जो लिवरपूल है ये कहां पर है, ये देखने को मिलेगा आप लोगों को इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड बोले तो बेसिकली यूके आप लोग बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर, ग्रेट ब्रिटेन भी जिसको बोल देते हैं। तो यहां पर जो लिवरपूल है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से हटा दिया गया है। जी हां, हटाई हुई चीजें भी कई बार पूछ ली जाती है क्योंकि कुछ थोड़ा डिफरेंट हो गया। आप लोग पूछेंगे यार हटा क्यों लिया गया, नॉर्मल तो कहते हैं कि हाँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हम लोगों ने इसको इंक्लूड किया, आखिर ऐसी क्या घटना घट गई यहां पर इसको हटा लिया। तो देखिए इसके अंदर कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन किए गए हैं जिसकी वजह से जो इसकी नेचुरलिटी है ना वो खत्म हो गई है, जो नेचुरल तरीका होता है ना वो नहीं रहा इसके अंदर में, जो नेचुरल तरीके से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पहले थी जिसके चलते इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, तो वो अभी खत्म हो गया है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग कमेंट करते हैं YouTube के नीचे, जब आते हैं किसी क्वेश्चन का आंसर, अगर उस पर हार्ट का जो निशान रहता है ना, ये हार्ट का निशान जो रेड वाला, अगर मैं हार्ट का निशान देता हूं और आप लोगों ने उसको एडिट कर दिया एक तरीके से, यानी कि जिस कमेंट के ऊपर मैंने हार्ट दिया है उसको एडिट कर आप लोगों ने कुछ और लिख दिया, तो हार्ट का निशान अपने आप गायब हो जाएगा। ये नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये YouTube का बेसिकली है कि पता चला हार्ट दिया गया किसी अच्छी चीज को, फिर चेंज कर उसमें कुछ गलत चीज ना लिख दे, तो इसीलिए यहां पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बोलता है कि भाई साहब जिस चीज के लिए आप लोगों को ये खिताब हम लोगों ने दिया था वो तो नेचुरल आप लोगों ने खत्म कर दी, तो इसलिए हम आपसे खिताब भी छीन लेते हैं। तो ये है लिवरपूल बेसिकली इंग्लैंड के अंदर, तो ये इसको यहां पर अभी इसका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा जो है वो रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ऐसी जगह से क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी यहां पर बताया इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें से पूछे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से ये भी उसी तरीके की न्यूज है। बात की जा रही है अभी हमारी कंट्री में हुआ क्या था, फायर क्रैकर आप लोगों ने जिनको हिंदी में आप लोग पटाखे बोलते हैं दिवाली पर या फिर कोई फेस्टिवल जो त्यौहार आता है उस पर सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी के बारे में कोर्ट के अंदर एक डिसीजन पहुंचा। बेसिकली एनजीटी है हमारी कंट्री में एक, जिसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये एक तरीका कोर्ट होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होता है, तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो मैटर होते हैं ना, कोई जैसे कि वातावरण से रिलेटेड कोई दिक्कत हो गई तो उसको लेकर कोई केस हो गया तो उसको लेकर यहां पर इसके अंदर जाते हैं। तो इसके द्वारा क्या बोला गया, इसके द्वारा ये बोला गया कि पटाखे नहीं छुटाने यार, बहुत खतरनाक चीज है, बुजुर्ग के ऊपर भी नुकसान डाल रहे हैं, बच्चों के ऊपर भी नुकसान डाल रहे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर नुकसान डाल रहे हैं, तो पटाखों को बंद कर दिया। तो यहां पर जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस पहुंच गया कि यार ऐसे कैसे कर सकते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल है ये, तो हमारा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आता है अगर आप लोग बात करें, है ना, राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, तो ये तो हमारे फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं। हमारा आर्टिकल 25 जो है राइट टू रिलीजन, जिसमें हम लोग पटाखे फटाते हैं अपनी जिंदगी को,
इंजॉय करते हैं, अपना कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो ये गलत बात है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या दलील दी इसके ऊपर, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है जरूर। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि ठीक है यार, तुम्हारा फंडामेंटल राइट है पटाखे भटकाने का, वो सही है कि हाँ आप लोगों के रिलीजन के अंदर आता है, पर रिलीजन जो होता है वो बाद में आता है, पहले राइट टू लाइफ आता है, यानी कि इंसान जिंदा रहेगा तभी तो आप लोग रिलीजन के अंदर आएंगे ना, क्या ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, जान है तो जान है, अगर जान ही नहीं है, अगर इंसान ही नहीं है, तो फिर रिलीजन कैसा रह गया। तो रिलीजन से पहले आप लोगों को लाइफ देखने को मिलेगी, तो लाइफ बिगर देन रिलीजन, अगर लाइफ किसी इंसान की जा रही है तो रिलीजन फिर क्या करेगा। तो इसलिए बोला गया कि राइट टू लाइफ जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और राइट टू लाइफ कहां आता है, वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तो बोला गया कि आर्टिकल 21 ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू आर्टिकल 25, अगर दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए एक तरीके से, तो आर्टिकल 21 को प्रेफरेंस दिया जाएगा क्योंकि वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर बोला गया कि पटाखे फटाने अलाउ नहीं किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ने। याद रखना राइट टू रिलीजन है आर्टिकल 25, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, और सारे फंडामेंटल राइट अगर आप लोगों को देखने हैं तो पार्ट थर्ड में हमारे संविधान में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के अंदर। तो इसके अंदर अगर बात करें तो राइट टू इक्विलिटी, राइट टू रिलीजन, राइट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एक तरीके से कल्चर और एजुकेशनल राइट हो गए, और राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, तो टोटल मिलाकर आज के में 6 है इसके अंदर जिसके बारे में आप लोग बात करते हैं। तो राइट टू इक्विलिटी 14 से लेकर 18 तक, राइट टू फ्रीडम हो गया बेसिकली 19 से लेकर 22 तक, इसी के अंदर 21 हो गया राइट टू लाइफ, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन हो गया यहां पर 23 और 24, और अगर बात करें चाइल्ड, एक तरीके से चाइल्ड लेबर अगर रोकना है, नहीं कि बच्चों की मजदूरी जो होती है उसको रोकना है, तो आर्टिकल 24 याद रखिएगा, ठीक है। राइट टू फ्रीडम हो गया ऑफ रिलीजन, तो 25 यहां पर बेसिकली यूज किया जा रहा है, कल्चरल राइट हो गए 19-30, और इसी के साथ में राइट टू जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, यानी कि कोई दिक्कत होती है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट के पास में जा सकते हैं, इसलिए भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया, ठीक है। नॉर्मली सोल अगर बोले कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, तो है हमारा प्रीएम्बल, पर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इसको बोला गया हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को, तो ये याद रखिएगा। तो टोटल मिलाकर 6 फंडामेंटल राइट आज के डेट में देखने को मिलेंगे, पहले 7 थे पर एक पसंद नहीं आया उसको हटा दिया, वो था 21वां 31वां 20वां के लिए, जिसमें बोलते थे कि राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यानी कि आप लोगों के पास में जो भी जमीन जायदाद है उसके बारे में बात की जा रही है। जमीन है आप लोगों के पास में, राइट टू प्रॉपर्टी है, पर कल को पता चला वहां को रोड बननी है, कोई बांध बनना है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना है, कोई स्कूल कॉलेज इंजीनियरिंग कुछ ऐसा बनाना है, गवर्नमेंट को पता चला आप लोगों की 1 बीघे जमीन आ गई उसके अंडर में, आप लोग बोलोगे फंडामेंटल राइट है नहीं देंगे, हिम्मत है तो छीन के दिखाओ, आप लोग कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट बोलेगा इसका फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, ये तो नहीं मिलेगी आप लोगों, तो इसलिए फंडामेंटल राइट में से हटा दिया, इसको लीगल राइट बना दिया, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे होगा कि अब यहां पर अगर किसी को जमीन लेनी है गवर्नमेंट कुछ स्ट्रेटजिक काम करना है, तो वो अपना फंडामेंटल राइट को अड़ाकर उस काम में अड़ंगा नहीं अड़ाएगा, तो इसलिए यहां पर इसको हटा दिया गया। तो ये कब हटाया गया, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था 1978 में। देखिए पहले तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते थे, फिर इसके बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया 1978 में, और ये था 1976 में, इंदिरा गांधी जी के द्वारा काफी बड़ा चेंज लाया गया, फिर यहां पर जनता गवर्नमेंट आ गई उसके द्वारा चेंज किया गया, जो जो दिक्कतें की गई थी संविधान में उसको रिपेयर करने का काम किया गया इसके द्वारा, तो उसके द्वारा यहां पर प्रॉपर्टी को हटाकर बेसिकली यहां से साइड में रखा गया लीगल राइट की कैटेगरी में। पता नहीं क्यों लग रहा है कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं, फंडामेंटल राइट हो गया ये आप लोगों का पॉलिटी के अंदर, या फिर जैसे कि बुद्धिज्म का पार्ट हो गया हिस्ट्री के अंदर, ये ऐसी चीज है कि एग्जामिनर की फेवरेट है, तो इसके बारे में पूछ लेते हैं। और ये भी रीजन है क्योंकि पता होना चाहिए कि इंसान को उसके फंडामेंटल राइट क्या है यार, संविधान ने जो दिए हैं इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत प्यारी न्यूज है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये बेसिकली आशुतोष जो कौशिक है इनको आप लोग जानते होंगे, एक एक्टर है, बिग बॉस जीता गया इनके द्वारा 2008 में, MTV रोडीज यहां पर इनको देखने को मिला, तो इसमें भी रियलिटी शो इन्होंने जीता, यानी कि बिग बॉस और जो MTV रोडीज के ये शो विनर थे, पर लेकिन इनके द्वारा पास्ट में कुछ हरकतें की गई, जो हरकतें इनकी जो मीडिया में एक तरीके से तैर रही थी, यानी कि वो नहीं कि कल को चलकर मान लीजिए मैं किसी के साथ में लड़ाई होगी, ठीक है, तो आप लोगों ने वो वीडियो शूट कर ली कि वैसे तो यार ये अपना आपको टीचर बोलते हैं और वैसे लोगों के साथ में लड़ते फिर रहे हैं, मैं मान लीजिए कहीं पर जा रहा हूं, हेलमेट नहीं लगा रखा मैंने, ठीक है, बाइक पर जा रहा हूं, बोलने लोग यार वैसे तो सबको बोलते हैं हेलमेट लगाया करो, ऐसे गाड़ी चला करो, खुद हेलमेट नहीं लगा रहे, वो चीजें मतलब एक तरीके से मीम बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, ठीक है। मैं आगे चलकर एक ठीक ठाक टीचर की कैटेगरी में आगे अच्छा टीचर बन गया, लोग अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं, पर लेकिन पीछे की जो चीजें हैं, पुराने टाइम पे पता चला कहीं शराब पी लिए, शराब पीकर मैं कहीं कीचड़ में, मतलब कीचड़ तो नहीं ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, शराब तो पीता नहीं हूं खैर, पर लेकिन उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं, मान लीजिए मैं कहीं एक मिट्टी के ऊपर पड़ा हूं कहीं पर,
कैसे कैसे उदाहरण दे देता हूँ मैं कभी कभी, किसी और को इमेजिन कर लो यार, ठीक है ये सारी चीजें नहीं, मतलब मैं नहीं पीता हूँ। तो एक तरीके से मानिए कोई पढ़ा हुआ है और उसकी आगे चलकर वो आगे चलकर साइंटिस्ट बन गया, ठीक है, तो पुरानी इमेज आ रही है ये कैसे साइंटिस्ट बन गया, ये तो कीचड़ में पड़ा रहता था, ठीक है, तो वो वाली चीज हो जाती है, तो उसकी वो पुरानी जो इमेज है वो आज की इमेज को हैम्पर करने लगती है। तो इनके द्वारा पुरानी कुछ ऐसी की गई, शराब पी के कुछ ऐसी हरकतें की गई जो एक तरीके से जिनके लिए इन्होंने सजा भी काटी, जेल में भी गए। तो ये बोल रहे हैं कि वो मेरी पुरानी हरकतें थी जिसके लिए मैं सजा पा चुका हूं। जब एक बार अपनी गलतियों के लिए इंसान सजा पा लेता है तो फिर उसकी गलती की उसको सजा बार बार क्यों मिलती रहती है? ऑलरेडी संविधान में बोला गया कि एक बार इंसान कोई गलती करता है उसकी सजा एक बार मिलती है, तो नहीं कि एक बार उसने किसी के साथ में कुछ गलत काम किया उसको जेल में डाल दिया, 10 साल की सजा काट के अगर फिर से जेल में डाल दें मजा नहीं आया, एक बार और सजा काट के, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि अब यहां पर राइट टू फॉरगेटन नाम की भी एक चीज होनी चाहिए। यानी कि फॉरगेटन का मतलब क्या है, एक तरीके से यानी कि जो भी ओल जो भी इंटरनेट मीडिया के ऊपर सारी चीजें पड़ी हुई है पुरानी, जिसकी वजह से आज की लाइफ मेरी हैम्पर हो रही है। कहीं भी जाता हूं तो कोई लड़की शादी करने से मना कर देती है कि तुम तो वही हो जो तुम्हारी चीजें वायरल हुई थी, ठीक है, इसकी माँ जो बेसिकली इसकी माँ भी बोलती है यहां पर कि बेटा तुमने क्या कर रखा है, ये कोई भी आता है तो वो चीजें दिखाने लगता है, तो हमारी इंसल्ट हो रखी है, हम आगे लाइफ नहीं बढ़ा पा रहे। तो इनके द्वारा कोर्ट पहुंचा गया और बोला गया जैसे राइट टू प्राइवेसी आती है आप लोगों को फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर, इसी तरीके से राइट टू फॉरगेटन भी होना चाहिए। फॉरगेटन का मतलब क्या होना चाहिए, यानी कि आप लोगों को जो भी इंटरनेट पर चीजें पड़ी हुई हैं, अगर कोई इंसान चाहता है उसकी फोटोग्राफ उसकी वीडियो या कोई आर्टिकल उसके ऊपर लिखे गए इंटरनेट से उसको रिमूव कर दिया तो उसका हक है ये, वो इसको हटा सकता है। तो इसके चलते इनके द्वारा ये बात बोलेगी, तो इसके चलते यहां पर अभी ये डिसीजन आया कि हां ऐसा भी कुछ किया जाना चाहिए, यानी कि इसके ऊपर अभी डिस्कशन चल रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि राइट टू फॉरगेटन के बारे में बात करें तो राइट टू फॉरगेटन राइट टू प्राइवेसी के साथ में इंक्लूड करके चले जा रहे हैं और ये आर्टिकल 21 है। आप लोगों को पता है आर्टिकल 21 कब आया था हमारे देश में बेसिकली प्राइवेसी के मामले में, तो केस पुत्ता स्वामी केस आया था हमारी कंट्री में 2017 में, उनके द्वारा बोला गया प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, तो वहां से ये सारी चीजें फिर निकलना स्टार्ट हो गई। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल हमारी कंट्री में पेंडिंग पड़ा हुआ है काफी लंबे समय तक, तो उसको देखा जाए आगे तो सही रहेगा। आज के में बात करें तो क्लोज 20 अंडर चैप्टर 5 जो है ड्राफ्ट बिल का, जिसका टाइटल है राइट टू डेटा प्रिंसिपल, तो उसमें भी मेंशन किया गया कि राइट टू फॉरगेटन नाम की भी चीज इसके अंदर डाली जानी चाहिए ताकि आगे चलकर इंसान की इमेज पर कोई इंपैक्ट ना पड़े। पास्ट में जो गलती की है वो सही अपनी जगह, पास्ट में दारू था, किसी के साथ में लड़ाई हो गई, किसी को चाकू लग गया, किसी से कुछ हो गया, उसकी सजा काटने के बाद में इंसान को मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को सुधार सके, ये नहीं कि उसको बार-बार टॉर्चर करके उसी पाथ पर ले जाके फिर से छोड़ दो। तो इसलिए यहां पर ये चीजें भी बोलेगी। तो डेटा प्रिंसिपल के तहत पर्सन जो है जिसका कोई डेटा है रिलेटेड टू, तो उसके पास में राइट होना चाहिए कि वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर सके, तो पर्सनल डेटा अगर कोई ऐसा है तो उसको हटाया जा सके, तो ये बातें यहां पर बोलेगी। तो आर्टिकल 21 आप लोग यहां पर याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने पॉलिटी जब आप लोगों की कवर कराई थी ना, पॉलिटी के अंदर अलग से मैंने इसके ऊपर डिटेल में आप लोगों का डिस्कस किया था, आर्टिकल 21 हो गया आर्टिकल 19 हो गया, तो लेक्चर जाके देखना सारे कंफ्यूजन आप लोगों के दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इसी से रिलेटेड। अभी यहां पर हुआ क्या, लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, कहां के, जम्मू एंड कश्मीर के। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्या किया गया, अभी 11 जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको जो बेसिकली गवर्नमेंट से हटा दिया गया। तो आप लोगों से पूछे कि ये इस तरीके का कर्तव्य किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो यहां पर ये आर्टिकल है 311। तो 311 आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट 311। बेसिकली होता क्या है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो स्टेट के खिलाफ जाता है, यानी कि जैसे कि राज्य है राज्य के खिलाफ चला गया, गवर्नमेंट के खिलाफ चला गया, तो एक तरीके से कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, देश की संप्रभुता के खिलाफ में जा रहा है वो, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर दो तो बेटे थे यहां पर जो बेसिकली हिजबुल मुजाहिदीन जिसके चीफ है सैयद सलाहुद्दीन, ठीक है, तो एक तरीके से गलत अपनी जो रैंक है उसका वो यूज कर रहे थे, तो इस तरीके से यहां पर बोला गया कि उनको हटा देना चाहिए। और भी कई सारे सगे संबंधित थे जो गलत तरीके से अंदर की इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल कर ला रहे थे, तो उनको हटा दिया गया बेसिकली अभी रिसेंटली। तो ये पहले भी हुआ यहां पर, अभी ऐसे ही कुछ चीजें निकल कर आई थी महाराष्ट्र के अंदर भी, कि जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र के अंदर दो चाइल्ड की पॉलिसी है, अगर दो से ज्यादा बच्चे हैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। एक औरत के 3 बच्चे थे और वो वहां पर जॉब कर रही थी, पता चला तो फिर उसको डिसमिस किया गया। तो कहने का मतलब ये कि आप लोग झूठ बोलकर किसी जॉब को अगर कर रहे हो तो उसके लिए खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल है यहां पर आर्टिकल 311, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रखेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए सारे आर्टिकल नहीं रटने जो संविधान के अंदर है, जो न्यूज में है ना वो आप लोगों को याद रखने हैं, और ये तो मैं इतनी बार रिपीट कर देता हूं, अभी यहां पर मैं लगभग 3 या 4 बार पढ़ा रहा हूं इसको, ठीक है, क्योंकि अगर रेगुलर वाली वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो ये 3री 4थी बार आप लोग सुन चुके होंगे, तो इसलिए कई बार आप लोगों का रिविजन हो जाता है, तो ये चीजें थोड़ी याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट, ये अभी रिसेंट की न्यूज थी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कांवर यात्रा को अलाउ करेंगे, जबकि उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा बोल दिया कांवर यात्रा को नहीं अलाउ करेंगे कोविड-19 के ध्यान में रखते हुए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि वहां पर यह था कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो लोगों की श्रद्धा जो है वो हताहत होगी, तो 2022 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए लोगों की जान जो है वो दांव पर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने शूमूटो एक्शन ले लिया। शूमूटो एक्शन क्या है, जैसे मुझे मार्केट में पता चले कि कोई है पर्टिकुलर एक तरीके से किसी के साथ में कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, तो मैं एक तरीके से देखकर अपने आप ही बोलूं कि अच्छा यार मेरे पास में
थोड़े से पैसे इसके हेल्प कर देता हूँ देकर, ताकि ये बच्चा जो है पढ़ सके, ठीक है। मान लीजिए किसी के पास में किताबें नहीं है, ठीक है, तो मैं बोलूँ कि उसको बुक दे देता हूँ मैं, ताकि ये बच्चा पढ़ सके। तो ये किसी ने मुझे बोला नहीं है, जबरदस्ती मेरे ऊपर थोपा नहीं है किसी ने, ये मुझे लगा कि यार एक इंसान अगर पढ़ लेगा तो वो एक इंसान की लाइफ नहीं सुधरेगी, उसके साथ में उसके परिवार की भी लाइफ सुधर पाएगी। तो ये मैंने शिवमोटो एक्शन लिया, उसको देखकर न्यूज आ गई कि हाँ उस लड़के के पास में किताब भी नहीं है यार, ठीक है, तो मैंने उसकी हेल्प कर दी, ठीक है। किसी का जैसे इंटरनेट रिचार्ज नहीं है तो वो बोला कि सर बड़ी दिक्कत होगी, एग्जाम पास में आ रहा है, घर पर इसी कंडीशन नहीं, इंटरनेट एक बार रिचार्ज करा दीजिए। तो इस तरीके से, तो उससे क्या हो गया, वो मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, वो अपने आप किया, तो ये शिवमोटो एक्शन हो गया। शिवमोटो बोलते हैं अपने आप, अगर मीडिया में न्यूज आ रही है उससे उठा लेना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा कि आप लोगों ने बोला कि कांवड़ यात्रा स्टार्ट की जाएगी, कोविड-19 से दुनिया भर के लोग अभी जा चुके हैं और आप लोग बोल रहे हैं कांवड़ यात्रा स्टार्ट की जाएगी। तो आर्टिकल 21 के तहत इन्होंने बोला कि राइट टू लाइफ पहले आती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बोला कांवड़ यात्रा जो है वो राइट टू रिलीजन के अंदर आती है, तो राइट टू रिलीजन है उनका, वो अपना कांवड़ यात्रा निकाल सकते हैं। तो फिर से वही बात आ गई कि राइट टू रिलीजन बाद में मना लेना, पहले आप लोगों को क्या करना है, पहले आप लोगों को लोगों की लाइफ के बारे में ध्यान रखना है। तो कांवड़ यात्रा जो है उसको सस्पेंड किया गया, क्योंकि एक तरीके से राइट टू लाइफ पहले रहेगी, यानी जान है तो जान है, फिर वही बात। तो ये भी यहां पर मुद्दा वही बन गया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट केस है, पटाखों वाला भी और यहां पर ये कांवड़ यात्रा वाला भी, तो इसके चलते यहां पर इसको रोका गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, देखिए इतनी बार न्यूज में आ चुका है, फिर ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया। तो भाई साहब यहां से आ गया, थोड़ा सा भी ध्यान से रखोगे तो एग्जाम में आंसर अटेम्प्ट कर पाओगे। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे है, पता है किसके अंडर में है, ये नितिन गडकरी जी के अंडर में है। इनके द्वारा भी ये बोला गया यार देश के अंदर ना बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, लगभग एक साल के अंदर 5 लाख के करीब एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, मतलब मोटे मोटे तौर पर। तो ये बोला गया यार 5 लाख के करीब कुछ ज्यादा लोगों की जान चली जाती है, और ये बेसिक जान नहीं जाती है, मतलब ज्यादा एक्सीडेंट नहीं हो जाते हैं, तो इसमें लगभग 1.5 लाख के करीब लोगों की जान भी चली जाती है। और आप लोग ये समझिए 1.5 लाख जो मरे हैं ये वो लोग होते हैं जो घर में कमाने वाले हैं कहीं ना कहीं, आप लोग ये सोच सकते हैं। तो इसको आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 1.5 लाख परिवार जो है वो बर्बाद हो गए, 1.5 लाख लोगों की जाने गए, 1.5 लाख परिवार बर्बाद हो गए, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो 1.5 लाख परिवार इस तरीके से अगर जा रहे हैं तो रोड एक्सीडेंट कितना खतरनाक हो गया, और ये वो जाने हैं जिनको हम लोग बचा सकते हैं क्योंकि इनके ऊपर डिपेंडेंट प्रोग्राम है। तो इसके लिए टारगेट रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा कि हर 2024 तक ना कम से कम 50% तो यार कम करना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो उनके लिए क्या किया गया, इसके लिए तो इन्होंने ब्लैक स्पॉट ढूंढना स्टार्ट किया, यानी कि जहां पर एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा ना कि यार ये वाला मोड ना यहां पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं, तो उसी तरीके ब्लैक स्पॉट इनके द्वारा ढूंढना स्टार्ट किया गया। और ये जो ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई करने का तरीका था कि उनकी लेंथ जो है वो 500 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 4-5 किलोमीटर का ब्लैक स्पॉट है, उसको कैसे ध्यान रखेंगे, तो बेसिकली 500 मीटर का उससे ज्यादा वो उसकी लेंथ नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में 5 एक्सीडेंट हुए यहां पर पिछले लास्ट 3 साल में, तो यहां पर उसको ब्लैक स्पॉट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। अगर आप लोगों को लगता है कहीं पर आप लोगों के एरिया में भी कोई ऐसा ब्लैक स्पॉट हो तो आप लोग भी उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है यहां पर लोगों की जान बचाने के लिए, वरना कुछ ऐसी चीजें जैसे कि लोगों की जान जा रही है फालतू में, अगर यहां पर देखिए कुछ ऐसी चीजें होती है आराम से, देखिए यहां पर ये कंडीशन क्या बन गई यहां पर, तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत बुरी कंडीशन बन जाती है, इनको हम लोग रोक सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहां पर इसको 50% कम करने की बात की जा रही है 2024 तक का, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है इसमें बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के बारे में ही। इनके द्वारा अभी कॉमन फॉर्मेट का एक पीयूसी क्या है, इसको बोलते हैं पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। देखिए पोल्यूशन जो है ना उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, इसलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसके बारे में अभी मेंशन किया था, तो आर्टिकल जो 21 है ना वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो पोल्यूशन फैलता है तो पोल्यूशन को रोकने की कोशिश की जाती है, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट दिया गया जिसके चलते अक्रॉस द कंट्री आप लोग उसको यूज कर सकते हैं, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 के हिसाब से। तो इंट्रोड्यूस किया गया यूनिफॉर्म पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोग उस सर्टिफिकेट को लेकर मध्य प्रदेश में बोल सकते हैं कि चलो यार यहां पर चल रहे हैं, पर लेकिन उसी को लेकर आप लोग महाराष्ट्र में पहुंच गए तो महाराष्ट्र में बोला यार ये तो गलत है। तो एक ऑल ओवर इंडिया जिनके पास में परमिट रहता है अपनी गाड़ी को चलाने का, उसके लिए यहां पर इसको यूज करने की बात की गई, पीयूसी डेटा को बेसिकली, तो नेशनल रजिस्टर के थ्रू यहां पर ये डेटाबेस इकट्ठा करने की कोशिश की गई, ताकि यहां पर हमारे देश में ऐसा देखने को मिले। तो कोई आप लोगों से पूछ ले यार ये पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जो है ये किसके द्वारा यहां पर बोला गया और किस पर्टिकुलर रूल के हिसाब से इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, तो ये इसके बारे में हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा यूक्रेन के चलते यहां पर जो भी रशिया के साथ में रस्साकसी चल रही है, आप लोगों को पता होगा यूक्रेन जो है उसको लेकर अभी यहां पर काफी जो यूएसए के जो बेसिकली यूक्रेन जो रशिया के साथ में रस्साकसी चल रही है, क्योंकि यूक्रेन वाले पोर्शन पे अगर आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर, तो देखिए ये हो गया ऊपर यूक्रेन, ये हो गया ब्लैक सी, तो यहां पर हो गया रशिया, तो रशिया ने यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया हथिया लिया है, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर यूएसए ने बोला कि ये ऐसा थोड़ी ना करोगे तुम दादागिरी दिखाओ किसी का भी एरिया हथिया लोगे, तो यूएसए ने अभी यूक्रेन के साथ मिलकर एक एक्सरसाइज की, तो उसी एक्सरसाइज के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम रखा गया है सी ब्रीज,
तो सी ब्रीज एक्सरसाइज जो इसका नाम रखा गया है, ये ब्लैक सी के आसपास में है और ये बेसिकली यहां पर और भी कई सारी कंट्री पार्टिसिपेट की इसमें। तो यहां पर रशिया को दिखाने के लिए कि यूक्रेन के ऊपर अगर तुमने दादागिरी दिखाई तो हम लोग यूक्रेन के साथ में खड़े हुए हैं। तो ब्लैक सी यहां पर जो ये आप लोगों को देखने को मिलता है अटलांटिक ओशन का मार्जिनल सी है, तो ईस्टर्न यूरोप में देखने को मिलता है, ईस्टर्न और यूरोप के बेसिकली बीच में आप लोग बोल सकते हैं मार्जिनल सी, जिसको यहां पर भी कई बार न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो सी ब्रीज के बारे में याद रखिएगा, यूक्रेन और रशिया के बीच, यूक्रेन और यूएसए के बीच में एक्सरसाइज। ठीक है, अगर लोगों से पूछ ले कि अग्नि पी एक मिसाइल है, जो कि आप लोगों को बताना है पी का मतलब क्या है, तो पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है प्राइम। ठीक है, तो ये जो मिसाइल है अभी रिसेंटली यहां पर ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि उड़ीसा के अंदर में है, तो वहां से इसको लॉन्च किया गया, तो उसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में थी। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर ये पर्टिकुलर जो आइलैंड है इससे लॉन्च किया गया, ये एडवांस जनरेशन है, यानी कि जो नॉर्मली अग्नि मिसाइल जो आप लोगों को देखने को मिलती है ना उसका एडवांस वर्जन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों से कोई पूछने लगे यार ये जो मिसाइल हम लोग अपने देश में बना रहे हैं ये कौन सा प्रोग्राम है जिसके हिसाब से मिसाइल हम लोग बना रहे हैं, आखिर मिसाइल मैन किसको बोला जाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को ही मिसाइल मैन बोला जाता है हमारे देश में, और इनके द्वारा ये प्रोग्राम लाया गया था जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आज की डेट में जितनी भी मिसाइल के नाम आप लोगों ने सुने होंगे ना, दुनिया भर की बड़ी बड़ी मिसाइल हमारे देश में बनाई गई है, वो सारी मिसाइल जो है वो यहां पर इसी प्रोग्राम के चलते आगे आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कई बार ऐसी चीजों के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों से। ठीक है, और यहां पर इसकी लोकेशन भी अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूं तो देख सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम फॉर्मली इसको व्हीलर आइलैंड के नाम से जानते हैं, जो कि आज की डेट में यहां पर इस नाम से बोला गया है, तो उड़ीसा के अंदर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, तो व्हीलर आइलैंड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो कोस्ट है यहां पर वो बंगाल वाली साइड में, तो ये जो आइलैंड है ये लगभग बोला गया कि 150 किलोमीटर है भुवनेश्वर से। तो भुवनेश्वर कहां पर हो गया, अगर बात करें तो भुवनेश्वर यहां पर हो गया, तो 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आप लोगों को इससे ये देखने को मिलेगा। तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो इसी आइलैंड के ऊपर लोकेटेड है, और ये जो व्हीलर आइलैंड है डीआरडीओ का मिसाइल लॉन्च सेंटर है यहां पर। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ ले कोई यार ये किस रिवर के ऊपर है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो याद रखिएगा धर्मा रिवर है, धामरा रिवर, धर्मा नहीं धामरा। ठीक है, चलिए अब आप लोग तो भूलेंगे नहीं इसको, बेसिकली धर्मा धामरा। ठीक है, तो इस तरीके से कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एग्जाम में आंसर दे पाओगे। आप लोगों से इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बे ऑफ बंगाल की साइड में है या फिर अरेबियन सी की साइड में है, जैसे मैप है ना, तो इधर तो अरेबियन सी हो गया लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बे ऑफ बंगाल हो गया, तो ये बेसिकली कहां पर है, बे ऑफ बंगाल वाली साइड में। तो बेसिकली धामरा रिवर जो है उड़ीसा के अंदर बे ऑफ बंगाल वाली साइड में, जहां पर व्हीलर आइलैंड जिसको एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड बोलते हैं, उसी से आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम के अंदर। और ये जो प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आइडिया रखेगा। राइस ब्रैन ऑयल, तो यहां पर ये जो राइस ब्रैन ऑयल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको अलाउ कर दिया गया कि बेस्ट सब्स्टिट्यूट है जो एडेबल ऑयल, यानी कि जो खाने वाले ऑयल है आप लोग यूज करते हैं उसकी जगह इसको भी यूज किया जा सकता है, अगर वो महीने मिल पा रहे हैं मार्केट में। तो ये किससे निकालते हैं, राइस का जो भूसा होता है ना उससे इस तेल को निकाला जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, सेहत के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट बनाया गया है। लो कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा जिनके ऊपर बॉडी में फैट है, तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, मिसाइल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, मिसाइल प्रोग्राम के तहत अग्नि 5 जो अग्नि 1 है, अग्नि 2 है, अग्नि 3 है, अग्नि 4, अग्नि 5 है, तो सबसे बड़ी जो सबसे अच्छी रेंज की हमारे पास में अब तक की मिसाइल है वो है अग्नि 5। याद रखिएगा इसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर वार कर सकती है, 5000 किलोमीटर की कैटेगरी में वार कर सकती है, तो सबसे बड़ी ये मिसाइल है आपकी अब तक हमारे पास में। 700 से 800 किलोमीटर की रेंज है अग्नि फर्स्ट की, अग्नि सेकंड 2000, अग्नि थर्ड 2500, अग्नि फोर्थ 3500 और अग्नि फाइव होगी 5000। अभी आगे 6000 तक के ऊपर भी हम लोग काम करें, तो देखते हैं कब तक हम लोग इस टारगेट को अचीव कर पाते हैं। तो यह है इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं, कई सारे आर्टिकल रिसेंटली अभी न्यूज में तो एक ही जगह इकट्ठे कर लिए मैंने कि अलग अलग आप लोग कंफ्यूजन न रहे। आर्टिकल जो 163 है ना वो बेसिकली बात करते हैं यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर, यानी कि एक स्टेट के अंदर एक हेड होता है जिसको गवर्नर बोलते हैं, गवर्नर को एडवाइस देने के लिए क्या होता है यहां पर चीफ मिनिस्टर होता है जो कि हेड करता है किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर विल गिव द एडवाइस टू द गवर्नर। ठीक है, तो ये इसके बारे में बेसिकली आर्टिकल 163 में ये बात बोली गई है। रीजन क्या है, कई सारे राज्य में रिसेंटली अभी कई सारे गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं, तो ये न्यूज बार बार रिपीटेडली आती रहती है, तो एक बार याद कर लो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज्यादा न्यूज़ भी रहा यहाँ पर ये। ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो है वो क्या करेंगे, बेसिकली चीफ मिनिस्टर शैल बी द अपॉइंटेड बाय गवर्नर, गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे और अदर मिनिस्टर भी, तो यहाँ पर एडवाइस दी जाएगी यहाँ पर किसके द्वारा, बेसिकली ये अगर मान लीजिए एक बार चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गवर्नर ने, फिर अगर कोई मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे हैं तो फिर एडवाइस दी जाएगी चीफ मिनिस्टर पर कि मुझे ये वाला मिनिस्टर चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके चलते काफी ज्यादा न्यूज में था। अभी यहाँ पर कई सारी और भी बातें आप लोगों ने देखी होगी, ये जो आर्टिकल 164 इसलिए भी न्यूज में था
कि कई सारे स्टेट में अभी क्या हुआ, इलेक्शन नहीं हो पा रहे, जैसे ममता बनर्जी जी होगी, लग रहा है कि उनकी जो पोस्ट छिनेगी, तो उसके चलते भी न्यूज में तो कई सारी चीजें ऐसी चल रही जिसके चलते आप लोग इनके बारे में क्वेश्चन रिपीटेडली आते रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर आइडिया रखिएगा, के वेणुगोपाल जो है अटोर्नी जनरल, उनको आगे का टाइम पीरियड अभी मिल गया उनको, तो आर्टिकल 76 में बेसिकली यहां पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जो भी अटोर्नी जनरल होते हैं उनको, उनके बेसिकली थंब के नीचे रहता है अटोर्नी जनरल, जब चाहे उसको हटा सकते हैं, उनके बेसिकली प्रेसिडेंट के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। ये हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवाइजर होते हैं, ठीक है, हाईएस्ट लीगल एडवाइजर अगर कोई बोले तो ये होते हैं। आगे बात करें तो अगर आप लोगों से पूछने लगे कोई, ये सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट एडवाइस तो देते हैं, कौन से आर्टिकल के तहत एडवाइस देते हैं, तो बोलते हैं जाती है आई लव यू मतलब 143, यानी कि 143 आर्टिकल के थ्रू यहां पर एडवाइस दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार न्यूज में रहते हैं, आइडिया रखिएगा थोड़ा सा। एक और आर्टिकल है 165, यहां पर ये ऑफिस ऑफ जो एडवोकेट होता है, जैसे अटोर्नी जनरल तो हो गया आप लोगों को सेंटर के पास में, अभी स्टेट के अंदर जाएंगे तो वहां पर अटोर्नी जनरल नहीं होते हैं, तो वहां पर ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये एडवोकेट जनरल स्टेट के अंदर इनको बोला जाता है ना, बेसिक चीजें सारी। तो ये क्वेश्चन छोटे छोटे बन जाते हैं यार, फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहां से आ गए, तो सारे एक जगह मैंने इकट्ठे कर दिए ताकि आप लोग एक जगह उनको रिवाइज कर सके। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर ले करिए ताकि आप लोग लंबे समय तक इनको याद रख पाए। आगे चलते हैं, यहां पर जो मिनिस्टर, अगर बात करें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लॉन्च की गई द इंडिया स्टोरी बुकलेट, ठीक है, तो इसमें ये बोला गया कि कैसे कैसे हम लोग अपनी चीजों को आगे लेकर चलने वाले हैं एनर्जी को लेकर। तो देखिए आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में अभी फिलहाल का जो टारगेट है 450 गीगावाट का टारगेट है, कब तक का, 2030 तक का। तो याद रखिएगा पहले था 175 गीगावाट, कब तक का था, 2022 तक का, ठीक है, तो अभी 450 कर दिया गया 2030 तक का, ताकि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय एनर्जी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस हम लोग लगा सकें। तो ये कौन करेगा, तो स्टेट में जो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है वो करेंगे यहाँ पर। तो इनके द्वारा जो बुकलेट लॉन्च की गई, तो एक्सेलरेटिंग सिटीजन सेंट्रिक एनर्जी ट्रांजिशन, मानिए एक तरीके से सिटीजन को फोकस रखकर, मान लीजिए आप लोगों ने घर बनाया, तो घर बनाने के साथ में मान लीजिए नॉर्मली आप लोगों ने सोचा कि यार इन्वर्टर होना चाहिए, ये बिजली का कनेक्शन हो गया, ये चीज होगी सारी अपनी सेट कर ली, अगर उसमें सोलर पैनल का सिस्टम भी ऐड कर दे साथ ही साथ में, तो कैसा रहेगा, कल को चलकर अपना इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो भी कितना आएगा, एक बार खर्चा होगा पर लेकिन आगे तो काफी लंबे समय तक फायदा होगा ना। तो इसके चलते सिटीजन सेंट्रिक प्रोग्राम को लाने की कोशिश की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, ताकि चीजों को आराम से लेकर ढंग से चला जा सके। ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कोलैबोरेशन विद परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर, काउंसिल ऑफ एनर्जी यानी कि यूनाइटेड नेशन एंड काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर, तो ये सारे मिलकर यहां पर काम करें ताकि इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है और बेसिकली जनता के लिए भी अच्छा है, ठीक है, जहां पर पहाड़ों वाले इलाके में जहां पर खंभे नहीं लगा सकते, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पहुंचा सकते, जाकर क्या करना, छत के ऊपर दो सोलर प्लेट रख दो, हो गई बल्ले बल्ले, सामने वाला भी खुश आप भी खुश, अगर ज्यादा जनरेट होगी तो फिर उनसे खरीद भी लो, तो ऐसी भी चीजें, तो आम के आम और गुठलियों के दाम, तो इस तरीके से चीजें लेकर आगे चली जा रही है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात की जा रही है, ये भी आप लोग काफी अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे, अगर बात करें हमारी कंट्री में जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में, कई सारे अटैक हुए हमारी कंट्री में जो सिक्योरिटी को लेकर, तो उसके चलते जब इंडेक्स लगाया गया, हमारी कंट्री का इंडेक्स निकाला गया, तो ये 10वें नंबर पर हमारी कंट्री की रैंक देखने को मिल रही है। आप लोगों से कोई पूछ ले कि यार ये तो बता दो पहले कि ये ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी जो इंडेक्स है ये कौन तैयार करता है, तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है उसके द्वारा ये जो इंडेक्स है ये तैयार किया जाता है, और इसने ये बोला कि यार देखो यूएस से तो टॉप कर गया, ठीक है, यूके जो है फिर वो दूसरे नंबर पर आ गया, ठीक है, और दूसरे नंबर पर यूके के साथ में इंटरेस्टिंग चीज ये है जो यूनाइटेड किंगडम जिसको आप लोग बोलते हो उसके साथ में सऊदी अरेबिया भी है, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग मुझे देखने में लगा, मैंने कहा कि दोनों एक साथ में, ठीक है, तो सऊदी अरेबिया में भी काफी सारी चीजों को आज की डेट में अपडेट या फिर इंप्रूवमेंट किया है, हमारी कंट्री यहां पर 10वें नंबर पर है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारी कंट्री इतने पीछे क्यों है, अगर देखा जाए यहाँ पर कि इंडिया जो है उसके पास में एक्टिव साइबर डिफेंस, जैसे कि बात करें जैसे यूरोपियन यूनियन के पास में क्या है, क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, यूरोपियन यूनियन के पास में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, यानी कि जैसे हमारी कंट्री का डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है अब तक, यूरोपियन यूनियन के पास में ये ऑलरेडी है, कोई भी यहां पर जनता का डेटा जो है उसकी परमिशन के बगैर नहीं ले सकता। ऐसा ही यूएसए के अंदर जाएंगे तो यूएसए क्लेरिफाइंग लॉज ओवरसीज यूज ऑफ डेटा, तो जिसको क्लाउड एक्ट बोलते हैं, तो डायरेक्ट आप लोगों से कोई मैच करने के लिए बोल दे कि बताओ यार यूएसए का कौन सा एक्ट है जो कि यहां पर डेटा सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, तो याद रखना उनका क्लाउड एक्ट है। तो हमारी कंट्री में भी इसके बारे में बात की जाती है, बोला जा रहा है कि देखो यार जिस तरीके से राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है ना, उसी तरीके से उसके डेटा का कोई चोरी ना करे, ये भी उसका फंडामेंटल राइट बन जाता है, क्योंकि पता चला आप लोगों के मोबाइल में क्या क्या चीजें आप लोगों ने रख रखी है, कोई और उसको देखे तो आप लोग कैसा लगेगा, तो सुनने में अटपटा लगता है ना, पता नहीं क्या क्या चीजें आप लोगों ने अपनी सिक्योर सेफ रख रखी है, कैसी कैसी चीजें आप लोगों ने उसके मोबाइल के अंदर सोच रखा है कि फ्यूचर में इनको इस तरीके से यादगार मोमेंट की तरीके से रख रखे हैं, तो कोई डिलीट करके चला गया उनको, ठीक है, तो कैसा लगेगा। तो इस तरीके से ह्यूमन लाइफ की डिग्निटी है, उनकी खुद की प्राइवेसी है, आप लोग उसके अंदर जो है बेसिकली नहीं घुस सकते, तो आर्टिकल 21 यहां पर इसके बारे में बात करते हैं। तो बाकी का कोई एक्ट नहीं है हमारी कंट्री में जिसके चलते बोला जाता है कि यार थोड़ी सी चीजें गड़बड़ है, ये और हम लोग को इंप्रूव कर लेनी चाहिए।
एक और इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर ये बात की जा रही है तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया अभी रिसेंटली कि जहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट शब्द जो है वो वहां पर यूज नहीं करेंगे। पूछा गया भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग, ऐसी क्या दिक्कत होगी? उन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर सेंटर में लोग बैठे हुए हैं, उसके आसपास सब खड़े हुए हैं, यानी कि सब जो है सेंटर वाले पर फोकस करेंगे, हमको कोई देख ही नहीं रहा। तो इस तरीके से लगा कि सेंटर एक तरीके से अथॉरिटी हो गया। पर लेकिन अगर संविधान के अंदर जाएंगे तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट यूज नहीं किया है कहीं पर भी वर्ड, उन्होंने हमेशा यूनियन गवर्नमेंट किया है। यूनियन का मतलब क्या होगा कि लीडर है साथ में लेकर सबको चल रहा है, ठीक है? तो एक तरीके से सब यूनाइटेड होकर काम कर रहे हैं। तो सेंटर की जगह यूनियन शब्द यूज करने की बात की गई। तो यूनियन शब्द क्यों यूज किया गया, क्योंकि आर्टिकल 1 के अंदर जाएंगे ना, जब संविधान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो यहां पर इनके द्वारा बोला कि यूनियन ऑफ स्टेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहां पर पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हम लोग काम करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी ताकत है, हमारी अपनी ताकत है। जैसे वहां पर चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, सेंटर में प्राइम मिनिस्टर होता है, तो दोनों के अपने अपने होते हैं। ऐसे नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के नीचे है चीफ मिनिस्टर, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह, यहां पर चीफ मिनिस्टर अपनी जगह, वो अपने एरिया के खिलाड़ी है, वो अपने एरिया के खिलाड़ी है, तो अंडर नहीं है किसी के हम लोग, तो इस तरीके से मत देखो हमको। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर ये बेसिकली न्यूज हुई, ठीक है? तो ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके से आप लोगों के लिए, तो आइडिया होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कई बार कई सारे लोगों के अकाउंट में से पैसे गायब हो जाते हैं, आप लोगों को भी हो सकता है आसपास वाले किसी सगे संबंधी के इस तरीके से कोई घटना देखने को मिली है। तो सेफ एंड सिक्योर डिजिटल पेमेंट का एक इकोसिस्टम तैयार करने की बात की गई। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर ऑपरेशनलाइज किया गया इसको, और नेशनल हेल्पलाइन नंबर तैयार किया गया जिसको 155260, और इसी के साथ में रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म भी रहा जिसके चलते प्रिवेंट करने की बात की गई फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू साइबर फ्रॉड। तो ये बातें सामने निकल कर आई, यानी कहने का मतलब यहां पर यह था कि कोई भी फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है, ताकि यहां पर आज की डेट में किसी पर्टिकुलर इंसान की जो कमाई गई पूंजी है वो गड्ढे में ना जाए। तो नेशनल हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म यहां पर प्रोवाइड कराया गया, ताकि पर्सन जो भी चीट किया गया, जिसके पैसे चुराए गए, उसकी फ्रॉड इंफॉर्मेशन तुरंत यहां पर बेसिकली आए और उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसकी जो हार्ड अर्न मनी है यानी कि खून पसीने की जो कमाई है उससे कोई छीन कर ना जाए। तो आप लोगों से पूछेंगे कि यार किसके द्वारा लॉन्च की गई यहां पर ये स्त्री हेल्पलाइन नंबर, ये है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, और ये नंबर आप लोग भी नोट करके रख लेना अगर कोई ऐसी दुर्घटना घटती है। मैं तो नहीं चाहूंगा कभी आप लोगों के साथ में किसी सगे संबंधी के साथ में ऐसा कुछ हो, पर लेकिन ये चीजें ऐसी होती है पता नहीं रहता है कब हो जाए किसके साथ में। तो इस नंबर को याद रखिए, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, तो हो सकता है कि तुरंत कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाए। नॉर्मली किसी भी संगे संबंधी की किसी की डेथ होती है, तो नेक्स्ट न्यूज में यहां पर बताया गया डेथ और बर्थ के बारे में। नॉर्मली हम लोग उसको रजिस्टर नहीं करते हैं, पर लेकिन इसके अंदर अभी रेशियो जो है वो थोड़ा बढ़ गया है। अकॉर्डिंग टू जो वाइटल स्टेटिक्स और वाइटल स्टेटिक्स ऑफ इंडिया जो बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम है उसके बारे में एक रिपोर्ट निकल कर आई, जिसका नाम रखा गया वाइटल स्टेटिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन। इस रिपोर्ट में ये बोला गया कि जो बर्थ रजिस्ट्रेशन है हमारी कंट्री में, पहले कोई लोग जो है उनके यहां बच्चा पैदा हुआ तो उसको रजिस्टर नहीं करते थे, अब 2018 से बढ़कर जब 87 था अब 92 हो गया 2019 में, यानी कि लोग चीजों को रजिस्टर करा रहे हैं, तो यहां पर काफी अच्छा यहां पर बढ़ा। इसी के साथ में किसी के यहां पर डेथ हो जाती है तो 84 था पहले अब 92 हो गया, उसको भी रजिस्टर करा रहे हैं। देखिए मैक्सिमम तो इसके रीजन भी है, बहुत सारे लोगों ने आज में पेंशन पॉलिसी वगैरह ले रखे, इंश्योरेंस वगैरह ले रखे, तो उसके चलते रजिस्टर कराना वो जरूरी हो जाता है, वरना उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ये भी रीजन है। तो इसके चलते देखिए गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, किसी का आधार कार्ड चल रहा है, किसी के और कुछ अकाउंट चल रहे हैं, तो उसको भी साइड में कहते हैं कि फालतू में इस तरीके से पता चला कि कोई और बैठकर उसके नाम पर कुछ और घपला कर रहा है, खा रहा है उसका सामान, ठीक है, उसको रोकने के लिए तैयारी की गई। मिजोरम और त्रिपुरा जो है उनके द्वारा 100% रजिस्ट्रेशन यहां पर अचीव कर लिया गया है, किसमें? बर्थ और डेथ में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन गया, यानी कि बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन में 100% अचीवमेंट किया गया, किसके द्वारा? मिजोरम के द्वारा। मेघालय के द्वारा यहां पर 100% रजिस्ट्रेशन किया गया बर्थ में, और 97% किया गया ये डेथ में। अब आसाम के 100% हुआ यहां पर बर्थ में, और यहां पर बेसिकली 74% हुआ डेथ में, ठीक है। तो ये है दो राज्य ओनली, मिजोरम और इसी के साथ में क्या है, मिजोरम हो गया और त्रिपुरा, जिन्होंने दोनों में 100% किया है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, याद रखिएगा। इसके चलते अगर बात करें सेक्स रेशो, इसके बारे में बात करें सेक्स रेशो के बारे में, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो हाईएस्ट सेक्स रेशो बर्थ का कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो अरुणाचल प्रदेश में यहां पर 1024, यानी कि सेक्स रेशो यानी कि 1000 लड़के जहां पैदा होते हैं वहां पर कितनी लड़कियां पैदा होती हैं, तो ये देखा जाता है। तो यहां पर 1000 लड़के पैदा होते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो 1024 लड़कियां पैदा होती हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैक्सिमम राज्य में आप लोगों को काफी लो देखने को मिलता है। नागालैंड में यहां पर 1001 है, मिजोरम में यहां पर 975 है, अंडमान एंड निकोबार के यहां पर 965 है, यानी कि आज की डेट में बात करें तो ओनली दो राज्य ऐसे हैं जहां पर लड़कियां जो हैं वो लड़कों से ज्यादा पैदा होती हैं, वरना उनको गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो ये काफी खतरनाक सिचुएशन हमारे देश में देखने को मिलती है। लोवेस्ट यानी कि नीचे से टॉप कौन कर रहा है, सबसे लोवेस्ट आप लोग गुजरात में देखने को मिलेगा, यानी कि जहां पर बोलते हैं ना पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे लोग
मैक्सिम इस काम को करते हुए नजर आएंगे, उनको बस बेटा ही चाहिए, भले ही वो आगे चलकर बेटा जो है सर पे जूते मारे, पर लेकिन पैदा होते टाइम बेटा ही चाहिए, भले ही वो बेटा जो है आगे वैसे पता चला बेटा पैदा हो गया, ठीक है। और बेटा पैदा हो गया तो क्या रहा, अंदर से ही बंदूक लेकर आ रहा है कि पहले माँ बाप को ही देखो। तो एक कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इनके एक तरीके से ये कि जो लड़के हैं आगे एट द एंड ऑफ द डे माँ बाप के काम वही आती है। कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा बेटा क्या करता है, शादी करके फूर हो जाता है, ठीक है। ऐसे बड़े ही ज्यादा केस आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। आसाम जो है यहाँ पर 903 है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में 905 है, और जम्मू एंड कश्मीर में 909 है। तो ये कंडीशन है हमारे देश में। तो लिखने के लिए भी आ जाए या कहीं पूछने के लिए भी आ जाए तो डेटा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो जो लड़कों को लेकर बल्ले बल्ले करते हैं तो ये दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया अभी कुछ कंट्री को कि वो इबोला फ्री हो चुकी हैं। इबोला एक काफी खतरनाक बीमारी थी, किसी के सर में दर्द है, नाक से अगर आंखों से कई बार ब्लीडिंग होने लगती थी, मसल में पेन होने लगता था, गला खराब हो जाता था, आई में भी काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती थी, ठीक है। लीवर किडनी काम करना बंद कर दिए, दस्त लग गए, वोमिटिंग होनी स्टार्ट हो गई। तो अगर ये सारे सिम्टम आ रहे हैं एक साथ में तो इसका मतलब है कि इंसान जो है वो इबोला के कंट्रोल में आ गया है। तो इबोला ये जो बीमारी निकल कर आई तो काफी सारे लोगों को इसके द्वारा शिकार बनाया गया। तो रिसेंटली यहां पर अभी बोला गया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि इबोला आउटब्रेक जब स्टार्ट हुआ था फरवरी 2021 में, तो जो गुनिया था वो अभी यहां पर इबोला फ्री हो चुका है। फर्स्ट जो डेडली वेव यहाँ पर देखने को मिली थी 2013 से लेकर 2016 तक का, काफी सारे लोगों की जान गई, लगभग 11,300 के करीब लोगों की जान चली गई अकेले गोनिया, सेरिलियोन और यहाँ पर बेसिकली लाइबेरिया के अंदर में। इबोला वायरस डिजीज जो है यहाँ पर, इसको इबोला हेमोर्फिक डिजीज के नाम के फीवर के नाम से भी इसको जाना गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हेमोरेजिक फीवर अगर पूछे या फिर इबोला पूछे, इसी का नाम है, ये एक वायरल डिजीज आप लोगों को देखने को मिली। तो ये है मैप में कंट्री, याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार छोटे छोटे आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पता रहेगा तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहेगा। आगे चलते हैं। आगे बात की जा रही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा ड्रोन से अभी मैंडेटरी कर दिया गया कि जहां जहां पर भी जो हाईवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके डेवलपमेंट को ड्रोन से चेक किया जाएगा, ऑपरेशनल मेंटेनेंस क्या चल रही है वो समझा जाएगा, एक तरीके से कि हाईवे जो है उनको मेंटेन रखा जा सके। क्योंकि टारगेट क्या है, 2024 तक का क्या करना है, 50% जो डेथ हो रही है एक्सीडेंट से उसको इंप्रूव करना है। तो ये तभी हो पाएगा जब टेक्नोलॉजी का यूज करके सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन और मेंटेनेंस ये सारे चेक किए जाएंगे। कोई ऐसा तो नहीं है कि वहां पर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, पता चला तारकोल कम और जो बेसिकली बजरपुर रोडिया डाले जा रहे हैं। तो इसके चलते अगर पूछ ले कोई आप लोगों से डेटा लेक क्या है यहाँ पर, ये तो डेटा लेक NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंदर आती है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में, उनके द्वारा यहां पर ये तैयार किया गया जिसको डेटा लेक इसका नाम रखा गया, यानी कि डेटा की झील, यानी कि सारा डेटा इकट्ठा रहेगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट कहां कहां पर कितनी प्रोग्रेस के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट आप लोग देश के अंदर बोल सकते हैं। आइए कुछ एक्साइज के बारे में बात करते हैं जो रिसेंटली इस महीने के अंदर देखने को मिली। इंडिया नेवल शिप एक्साइज, जो कि बेसिकली मैरीटाइम पेट्रोल और इसी के साथ में अदर एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट के यहाँ पर, जिसका नाम रखा गया पैसेज एक्साइज, PASAG एक्साइज, जिसको बात पास एक्साइज शॉर्ट फॉर्म में बोला गया, यानी कि पास हो गया स्टार्टिंग का और यहाँ पर एक्साइज ले लिया इसका स्टार्टिंग का, तो इसको यहाँ पर PASAS, तो पास एक्साइज का नाम भी इसको दिया गया। तो यूएसए की नेवी रोनाल्ड रेगन कैरियर जो स्टाइगर ग्रुप है उसके द्वारा यहां पर देखने को मिला, इंडियन ओशन के थ्रू ये चीजें आप लोगों को नजर आई। तो इंडियन नेवी के द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेट किया गया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है इसको थोड़ा देखिए, ऐसा नहीं है कि एक एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। विजय प्रहार यहां पर यूएसए और इंडिया की आर्मी के बीच में, युद्ध अभ्यास यहां पर यूएसए और इंडिया की आर्मी के बीच में, कोप इंडिया ये इंडिया और यूएसए की एयरफोर्स के बीच में, रेड फ्लैग ये मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज आप लोग बोल सकते हैं, मालाबार ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज थी जिसमें इंडिया, यूएसए, जापान, अभी ऑस्ट्रेलिया भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये स्टार्टिंग में कब स्टार्ट हुई थी यहाँ पर, ये 1992 में स्टार्ट हुई थी इंडिया और यूएसए के बीच में। कैसी एक्सरसाइज है ये, नेवी की एक्सरसाइज है। जापान इसका परमानेंट मेंबर बन चुका है। अब किस ईयर में बना है ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो कि कई बार पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना यार, छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए पूछ लेता हूं तो कि आप लोग भी थोड़ा सा सतर्क रहेंगे और आप लोग भी चीजों को जान पाएंगे, ठीक है, ताकि हाँ क्या चल रही है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पर रामगढ़ के बारे में। तो रामगढ़ विषधारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको यहाँ पर अभी बोला गया कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के तहत यहाँ पर बेसिकली फोर्थ टाइगर रिजर्व की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो अगर राजस्थान से आप लोग बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन एक तैयार हो गया आप लोगों का, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ टाइगर रिजर्व राजस्थान में देखने को मिलेगा, यानी कहने का मतलब ये कि इससे पहले तीन टाइगर रिजर्व है। जी हाँ, तीन टाइगर रिजर्व है, जहां पर एक तो है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ये कहां पर है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा सवाई माधोपुर, ठीक है। एक है सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये अलवर के अंदर। एक है यहां पर मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, ये कोटा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो
तो जिसने भी 12th के बाद में कोटा में जाकर तैयारी की है उसने तो शायद इसको देखा ही होगा। है कोई ऐसा जिसने कोटा में जाकर तैयारी की है? बताइए जरा अपना एक्सपीरियंस। अगर बात करें थ्री टाइगर रिजर्व जो यहाँ पर राजस्थान के अंदर में, तो यहाँ पर ओवर 90 के करीब बिग कैट है, यानी कि बड़े बड़े टाइगर जिनको बिग कैट बोला जाता है। छोटे वाली बिल्ली तो घर में रहते हैं, म्याऊ म्याऊ वही वाली बिल्ली, तो ये वाली बिल्ली नहीं है, बिग कैट है टाइगर, यानी जो करता है ठीक है वो वाला है। अगर बात करें देश के अंदर तो ये 52वां टाइगर रिजर्व है। अगर बात करें ग्लोबल टाइगर डे के बारे में तो ये 29th of July को सेलिब्रेट किया जाता है, इंपोर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर हमारे देश में 1973 में लॉन्च किया गया था। 9 टाइगर रिजर्व जो कि कंजर्व कर रहे हैं ओवर नेशनल एनिमल, ठीक है, तो इसके चलते यहां पर स्टार्ट किया गया था और आज के डेट में आप लोग देखते हैं 52 हो चुके हैं ये आज के डेट में। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर आती है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, इसको कंट्रोल किया जाता है कि किस तरीके से टाइगर रिजर्व को आगे लेकर चलना है। तो याद रखिएगा 1973 में टाइगर रिजर्व हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया था और उस टाइम पर किसके द्वारा, ये शेरनी के द्वारा, यानी कि इंदिरा गांधी के द्वारा टाइगर रिजर्व लॉन्च किया गया। तो इस तरीके से थोड़ा सा आइडिया आप लोग रखिएगा इसके बारे में। ओके आगे चलते हैं, इंपोर्टेंट न्यूज है यहां पर, ये काफी खासकर हिस्ट्री के साथ में थोड़ा सा कोरिलेट करके चलेगी। हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री फॉर कल्चर और टूरिज्म के जो कि मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उनके द्वारा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया फ्लैग सत्याग्रह। तो फ्लैग सत्याग्रह कहां से स्टार्ट किया गया? जबलपुर मध्य प्रदेश से। तो अगर मध्य प्रदेश वासी हैं तो आप लोगों को थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। यहां पर इंडिया के अंदर जो फ्लैग सत्याग्रह कंपेन है पीसफुल एक सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था, यहां पर इंडिपेंडेंट के टाइम पर हमारी कंट्री के अंदर अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए यहां पर अपने झंडे को फहराया जाता था, तो ये स्टार्ट किया था फ्लैग सत्याग्रह जो था यहां पर, ये एक तरीके से जबलपुर में, ये 1923 में और नागपुर में आप लोगों को देखने को मिला था जब हमारी कंट्री जो था ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में हुआ करता था। फिर आगे चलकर झंडा फहराया गया, ये तो आप लोगों को याद भी होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा हिस्ट्री में। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के द्वारा कंक्लूड किया गया पूर्ण स्वराज्य। तो पूर्ण स्वराज्य जब वहां पर कंक्लूड किया गया तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे यहां पर उनके द्वारा प्रेसाइड किया गया यहां पर, और ये रवि जो रिवर है लाहौर में आज के डेट में, तो नेशनल जो फ्लैग है वहां पर फहराया गया कांग्रेस के सेशन के अंदर में, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर ये बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ऐसे कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, फिर बोलते हो क्वेश्चन कहां से आगे, तो कहीं से नहीं आया यार, यहीं से आगे क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान रखते तो आंसर आप लोग दे पाते, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। बेसिकली बात की जा रही है 100 ऑफ प्रोटेस्टर जो कि स्ट्रीट में गलियों में उतर गए बुदापेस्ट हंगरी के अंदर। हंगरी एक कंट्री है यूरोप के अंदर, वहां पर क्या किया गया, वहां पर बेसिकली एक तरीके से वो बात करे थे कि रिवर्स करो जो नया लॉ अभी कंट्री के अंदर लाया गया। नया लॉ क्या लाया गया, उसने यहां पर जो बैन कर दिया ऑल कंटेंट जो अवेलेबल था मार्केट में होमोसेक्सुअलिटी के लिए, यानी कि मेल मेल फीमेल फीमेल कुछ ऐसे अगर आपस में फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं या फिर कोई जेंडर चेंज से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हंगरी के अंदर बंद कर दी। स्कूल में करिकुलम को भी रिवाइज कर दिया कि 18 साल से नीचे का कोई बच्चा जो है वो उसको ना देखे ना इसके बारे में पढ़े, तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिली। तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में सेक्शन 377 जो है वो डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। इवन उसके ऊपर भी कई सारी बातें चल रही है कि उनकी प्राइवेट लाइफ है, अपने हिसाब से उसको एंजॉय कर सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिल जाती है। तो ये हंगरी के बारे में मैंने बताया, एक यूरोप के अंदर कंट्री है जो मैप में भी आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक है, ऐसे कई क्वेश्चन बन जाते हैं यहां पर, ये चीजें देखने को मिल रही है। आगे चलते हैं, ये बात करते हैं नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के बारे में। कहीं पर सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया, कुछ और बुरी कंडीशन बन गई, तो फिर ये फंड काम आता है। ये बिल्कुल ऐसे ही फंड है, घर से आप लोगों को 10,000 रुपए मिले, आप लोगों ने महीने में 1,000 रुपए सेव कर लिए, सेव करते करते आप लोगों के 10 महीने में 10,000 रुपए इकट्ठा हो गए। अब वो आप लोगों की ऐसी सेविंग हो गई कि कल को कोई दिक्कत आ जाती है, कोई दुर्गति हो जाती है, कोई उल्टी सीधी हरकत कहीं पर हो जाती है, तो वहां पर आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिजास्टर फंड है यहां पर, ये इसको पहले नेशनल कैलेमिटी कंटेंजेंसी ये फंड बोला जाता था, फिर लगा यार ये ऐसे ऐसे शब्द यूज कर दिए इसके अंदर, जनता नॉर्मल सी कॉमन सी वो समझ नहीं पाएगी, चलो नाम चेंज करते हैं, फिर बोले कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड, यानी कहीं डिजास्टर महामारी आ गई उसके रेस्पॉन्स का फंड है ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बोला गया। तो 11th फाइनेंस जो कमीशन थे हमारे देश के, उनके द्वारा यहां पर इसकी गाइडलाइन तैयार की गई। तो एक तो क्वेश्चन ही बन गया आप लोगों से, कौन सा फाइनेंस कमीशन था, कौन थे उसके अध्यक्ष, बताइए जरा, देखता हूं कौन कौन से बताता है। नेशनल डिजास्टर जो फंड है इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि कई सारे डिजास्टर अभी भी देखने को मिल रहे हैं, कोविड-19 के टाइम पर भी ये न्यूज में था, इसीलिए बोल रहा हूं कि क्वेश्चन बन सकता है। 2005 में जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था वो इनेक्ट किया गया हमारी कंट्री में और नेशनल कंटिजेंसी कैलेमिटी फंड बनाया गया, तो उसके चलते चीजें चली। अकॉर्डिंग टू नेशनल कंटिजेंसी कैलेमिटी फंड जो था वो आगे चलकर मर्ज कर नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड बना दिया, जैसा मैंने अभी बताया। ये सारी चीजें कहां पर है, ये सेक्शन 46 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि 2005 में आया था। 2005 में क्यों आया आप लोग बोलेंगे, क्योंकि देखिए जब तक सर पर कुछ आकर नहीं पड़ता, आप लोग देख लिए, जब तक आप लोग किताबें नहीं उठाएंगे जब तक एग्जाम पास में नहीं आ जाएगा, तो वही हरकतें यहां पर गवर्नमेंट की है। जब तक यहां पर देश में सुनामी नहीं आ गई यहां पर, तो जब सुनामी देखने को मिली यहां पर हमारी कंट्री के आसपास में, बहुत सारे लोग भी जान गए, तो उस टाइम पर लगा कि यार कोई ऐसा चीज होनी चाहिए, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया, ठीक है। तो 2004 में सुनामी आई थी, 2005 में ये एक्ट आ गया,
तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता देता हूं फाइनेंस कमीशन के बारे में। 11th फाइनेंस कमीशन के द्वारा यह फंड बनाया गया था, जो कि एएम खुसरो के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। 12th फाइनेंस कमीशन 2002 में आया सी रंगराजन। 13th फाइनेंस कमीशन 2017 में डॉक्टर विजय केलकर। 14th फाइनेंस कमीशन 2013 में ये डॉक्टर डीवाई रेड्डी। अभी 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में आप लोगों को बताना है, 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो किसके अध्यक्षता में है और कब से कब तक का है। बाकी संविधान में अगर उसके बारे में आप लोगों से बात करूं तो आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में मेंशन कर रखा है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ आप करो कुछ मैं करते हैं, ऐसे ऐसे काम चलता रहेगा, यानी कि एक तरीके से मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हल्का सा जो क्वेश्चन आंसर लोग से पूछता हूं ना, उसका आंसर देते हुए शर्माना नहीं है, दो मिनट लगेगी आंसर उसका जरूर दिया कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग पार्टिसिपेट अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये काफी एक खतरनाक बीमारी अभी न्यूज में आई निकलकर, जिसके बारे में डिस्कस भी किया गया और उसके बारे में क्वेश्चन भी बने, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, कोई पर्टिकुलर अगर बच्चा है, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर बच्चा है, वो अभी बच्चा है, 16 साल बाद वो क्या हो गया, एक बड़ा इंसान हो गया, यानी आज की डेट में उसकी एज, आज की डेट में अगर उसकी एज जो है वो मान लीजिए 10 है, ठीक है, 16 साल बाद क्या होगी उसकी एज होगी 26, पर लेकिन दिमाग उसका बच्चा ही है। तो ऐसा इंसान अगर किसी पर्टिकुलर किसी लड़की के साथ में कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर देता है, कैसी इसी लड़की की ऐसी हालत है, उसके साथ में कोई उल्टी सीधी हरकतें कर दे, सेक्सुअली असोल्ट करे, कोई रेप हो जाए, तो उसके चलते यहां पर ये बीमारी पिक्चर में आई, जिसको पीटर पेन सिंड्रोम बोला गया, पीटर पेन सिंड्रोम यानी कि पीपीएस। तो पीटर पेन सिंड्रोम जो है यहां पर, इसके चलते यहां पर एक पर्टिकुलर जो पर्सन था स्पेशल केस में, सेक्सुअली असोल्ट वाले केस में, एक माइनर को जो सफर कर रहा था पीटर पेन सिंड्रोम से, उसको छोड़ दिया गया। तो उसके चलते ये न्यूज़ में आ गया कि उसने हरकतें भी की और उसको छोड़ भी दिया गया, क्योंकि उसका जो बुद्धि है वो बच्चे वाली बुद्धि है, ये बोला गया। तो यहां पर ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, जिसके चलते यहां पर बात की जाती है कि सोशली इमेच्योर है पर्सन, यानी कि बॉडी तो इसकी एडल्ट की हो चुकी है, जिस तरीके से एक पूरा पुरुष होता है वो वाली बॉडी हो गई इसकी, पर लेकिन माइंड अभी भी बच्चे वाला है, यहां पर ये ऐसी देखने को मिला। ये जो टर्म यहां पर यूज की जा रही है, जिसको पीटर पेन सिंड्रोम आप लोग बोल रहे हैं, तो यहां पर डैन केले इनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था ये बिहेवियर, कि रिफ्यूज टू ग्रो, यानी कि वो जो इंसान है वो बड़ा ही नहीं होता, छोटा ही रहता है। तो 1983 में ये यहां पर इसके बारे में लाई गई। अब स्टेटमेंट देकर मैंने आप लोगों से, याद होगा हिंदू न्यूज़पेपर के डिस्कशन में मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा था इसके बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है एज ए हेल्थ डिसऑर्डर, ठीक है। तो पीटर पेन सिंड्रोम जो है अब तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, तो डज नॉट रिकॉग्नाइज पीटर पेन सिंड्रोम एज ए हेल्थ डिसऑर्डर बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट में देकर आप लोगों को बोलते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको रिकॉग्नाइज कर दिया। आप लोग बोलोगे यार हाँ न्यूज़ में तो है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी यहां पर रिकॉग्नाइज कर दिया होगा, वो बोलेगा धप्पा, यानी कि क्वेश्चन गया, ठीक है। तो ऐसे धप्पे नहीं लगवाने आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। तो ये चीजें आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है, क्योंकि केस भी था अभी यहां पर, ये एक तरीके से केस भी था, तो उसके चलते भी यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज़ में आ गई थी, ठीक है। तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, हम कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बात करते हैं। यहां पर एनटीपीसी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसको बोलते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसके द्वारा बोला गया कि यहां पर बेसिकली इसको बोला गया जब लिस्ट तैयार की गई, कि 15 साल में अगर पिछला हम लोग उठाकर देखें यहां पर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोला जाता है ग्रेट प्लेस टू वर्क, यानी कि जो इसके अंदर काम कर रहे हैं ना आज की डेट में, वो ये माना जा रहा है कि काफी अच्छी जगह काम कर रहा है एज कंपेयर टू दूसरी कंपनी के कंपेयर में। हमारे देश के अंदर ये सबसे बेस्ट कंपनी है काम करने के माहौल से, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर ग्रेट प्लेस टू वर्क यानी कि एक ऐसा यहां पर जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा ये रैंकिंग तैयार की जाती है। तो एनटीपीसी हमारी कंट्री में यहां पर टॉप 50 के अंदर अपनी पोजीशन बनाती है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और हमारी कंट्री में टॉप पोजीशन पर है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, ऐसा नहीं है कि कोई किसी के पास में अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं, तो अगर वो पर्टिकुलर कंपनी आप लोगों की प्रॉब्लम में आप लोगों के साथ खड़ी हुई है, मान लीजिए घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए पैसे की जरूरत है, कंपनी ने तुरंत मना कर दिया, ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हैं घर में फंक्शन शादी सब छोड़ छाड़ के उसका काम कर रहे हैं कंपनी का, कंपनी आपके काम नहीं आ रही है, तो ये नहीं होता है। तो कंपनी भी आपके साथ में खड़ी मिले जब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, तो वो होता है ग्रेट प्लेस टू वर्क। यहां पर ऐसा लगे कि हाँ यहां पर काम करना यार वर्थ इट है, यहां पर अपनी एनर्जी इफिशियंसी लगाना वर्थ इट है, तो ये याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में याद रखते हैं। सेंटर हैज अभी रिसेंटली यहां पर अप्रूव किया गया नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन, जिसको कर्मयोगी बोला गया, यानी कर्मयोगी मिशन के नाम से एक मिशन स्टार्ट किया गया। कर्मयोगी जो कर्मों के ऊपर विश्वास करता है, उदाहरण के तौर पर स्वामी विवेकानंद जी हो गए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर हो गए, इनको कर्मयोगी पुरुष आप लोग बोल सकते हैं, ये कर्म के बेस पर चलने वाले इंसान थे। तो एक तरीके से ये बोला गया कि कर्मयोगी ही हम लोगों को अपनी जो सिविल सर्विसेज को बनाना है, यानी कि जो भी सिविल सर्विस के अंदर काम कर रहे हैं आज के डेट में, तो वहां पर रूल बेस्ड ट्रेनिंग से शिफ्ट होकर रोल बेस्ड ट्रेनिंग को लाया गया, यानी कि शिफ्ट करना है रूल है, ऐसा नहीं कि राजा रजवाड़े हो वहां पर आप लोग जनता के ऊपर रूल कर रहे हो, ऐसे बन गए तो आप लोग लग रहा है कि आप लोग वहां के राजा हो, नहीं, आप लोगों को रोल प्ले करना है जनता की लाइफ को इंप्रूवमेंट करने में। तो रूल से रोल पर आप लोगों को जाना है,
ये बेसिकली होना चाहिए जिससे कि सोसाइटी में डेवलपमेंट हो सके। ऑल जो सिविल सर्विसेज है कंट्री के अंदर उनको कर्मयोगी मिशन के तहत डेवलप करने की बात की गई। तो यहां पर इसके चलते मिशन कर्मयोगी के बारे में याद रखिएगा, मेजर ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म लाने की कोशिश की जा रही है देश के अंदर में, एथिकल प्रैक्टिस भी इंक्लूड की जा रही है कि आप लोग किस तरीके से एथिकल चीजों को लेकर चल सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि पता चला ऊपर से 100 रुपए आ रहे हैं तो उसमें से आप लोग 86 रुपए आप लोग मिल रहे हैं और 14 रुपए जो है इंसान तक पहुंच रहे हैं, ठीक है? तो ये नहीं होना चाहिए, यानी करप्शन नहीं होना चाहिए। सैलरी आप लोगों को मिल रही है, दुनिया भर की फैसिलिटी गवर्नमेंट आप लोगों को दे रही है, उसके बाद आप लोग जनता का हक खा रहे हैं, कीड़े पड़कर मरेगा ऐसा इंसान, ठीक है? तो ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, गलत चीजें हैं, इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। आगे बात करते हैं, रिसेंटली अभी यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है, उसके द्वारा यहां पर बोला गया कि इंडिया जो है वो मेकिंग कलेक्टिव एफर्ट टू रिड्यूस द जो जेंडर गैप होता है खासकर लेबर पार्टिसिपेशन में। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जो लेबर है उन्होंने ये बोला। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ईपीएफओ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? याद रखना इसके बारे में, क्योंकि वो आप लोगों का ईपीएफओ का पेपर जो है इसी फील्ड से आता है। तो यहां पर बात करें तो लेबर जो फोर्स पार्टिसिपेशन है, यानी कि मतलब यह है कि मेल और फीमेल जो काम कर रहे हैं उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, और ये हमारे देश की कहानी नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की कहानी है। तो इसी के चलते G20 कंट्री के जो लीडर हैं उन्होंने 2014 में बोला भी था यार कि 2025 तक का हम लोग को जो मेल फीमेल पार्टिसिपेशन जो रेशियो है वो 25% तक लेकर आना है, जो आज के में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। 2014 में ब्रिस्बेन में हुई थी, ब्रिस्बेन कहां पर है पता है आप लोगों? चलिए देखिए कहां पर है, जाकर मुझे बताइए, मुझे भी याद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको देखेगा, ये छोटे छोटे से शब्द हैं, आप लोगों से क्वेश्चन भी बन जाते हैं, फिर कंफ्यूज आते हैं आप लोग, ठीक है? तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है? तो ब्रिस्बेन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, तो वहां पर ये मीटिंग हुई थी, तो उससे यहां पर ये न्यूज निकल कर आती है, ठीक है? बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना। कई कई ऐसी चीजें भी आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली याद रखनी चाहिए जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी 60वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई अंटार्कटिका ट्रीटी की। अंटार्कटिका ट्रीटी जो है बेसिकली जब आप लोग यहाँ पर मैप में आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा रुकिए एक मिनट, जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है? नीचे आप लोग जाएंगे यहां पर अंटार्कटिका देखने को मिलेगा, ऊपर आप लोग जाएंगे आर्कटिक ओशन देखने को मिलेगा। तो यहां पर बात की जा रही है अंटार्कटिका के बारे में, ठीक है? तो यहां पर जाकर ऐसा नहीं कोई यहां पर जाकर फैक्ट्री लगा देगा या कुछ और हरकतें करेगा। तो उसी के चलते यहां पर अंटार्कटिका ट्रीटी साइन की गई। यहां पर ये बेसिकली साइन की गई थी 1961 में, साइन क्या की गई, फोर्स में लाई गई थी, साइन तो की गई थी 1959 में, फिर इसको इंप्लीमेंट किया गया 1961 में। और हम लोग कहां खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं 2021 में। तो 2021 से जब 1961 में आप लोग काउंट करोगे तो 60 साल आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि ट्रीटी 60 साल पूरे कर चुकी है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये बेसिकली ब्रूनोइस एरिस अर्जेंटीना के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अंटार्कटिका ट्रीटी जो है वो यहां पर एक ऐसा एग्जांपल है जो कि यहां पर होल कॉन्टिनेंट के लिए इंप्लीमेंट की जाने वाली एक लोथी ट्रीटी है। क्या इंडिया इसका मेंबर है? जी हां, इंडिया इस ट्रीटी का मेंबर है, जो कि 1983 यानी कि 1983 में यहां पर इसका पार्ट बना था। तो एक तरीके से यहां पर फाउंडेशन, एक तरीके से जो रूल बेस जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। बोला यह गया कि एक तरीके से डीमिलिटराइज रखना है इस जोन को, यानी कि ऐसा नहीं है आप कोई मिलिट्री ला के उतार दी, अपने अपने रिसर्च स्टेशन आप लोग बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आकर वहां पर काम करिए, क्या क्या आप लोग जान सकते हैं, क्या क्या आप लोग कर सकते हैं उसके बारे में देखिए, ह्यूमैनिटी के लिए क्या अच्छा काम आप लोग कर सकते हैं वो सारी चीजें रिसर्च कीजिए। पर ये नहीं कि आप लोग जाकर यहां पर कल को बम फटा के रख दो लाकर एक दूसरे के सामने, ठीक है? तो इसलिए ये ट्रीटी थी। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसको IRENA बोला जाता है, इसके द्वारा रिलीज की गई रिन्यूएबल पावर जो जनरेशन कॉस्ट इन 2020 रिपोर्ट। तो आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ लेगा डायरेक्ट कोई कि रिन्यूएबल पावर जनरेशन कॉस्ट इन 2020, यानी कि जो कोई रिन्यूएबल पावर आप लोग यहां पर जनरेट करें सोलर एनर्जी विंड एनर्जी, तो उसकी कॉस्ट क्या आ रही है 2020 में। तो इसकी रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये तैयार की गई। तो इसके द्वारा क्या किया गया, रिप्लेस किया गया यहां पर एक्सपेंसिव जो पावर है रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में अगर बात करें तो, उसके चलते यहां पर बोला जा रहा है कि 32 बिलियन ए ईयर, तो इसको रिड्यूस किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी काफी रिड्यूस होता है। तो बोला जा रहा है कि रिप्लेस कर रही है एक्सपेंसिव जो यहां पर बेसिकली कोल से प्रोड्यूस करने वाली पावर थी, और यहां पर सेव किया जा रहा है लगभग 32 बिलियन, यानी कि अगर आप लोग कोयले को हटाकर आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करते हो तो साल में यहां पर 32 बिलियन के करीब आप लोग सेव कर पाते हो, और लगभग 3 बिलियन के करीब टन कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट होने से रोकते हो, यानी कि पृथ्वी को सेव करने का एक अच्छा आसान सा तरीका आप लोग बोल सकते हो जिसके ऊपर यहां पर काम करना चाहिए। तो ये एक अच्छा तरीका है यहां पर जिसको आप लोग सपोर्ट कर सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है खासकर जब एनवायरमेंट के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो है उसके बारे में कई बार मैंने डिस्कस भी किया है, कहां पर हो रही है यूके के अंदर, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं यहां पर वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर, रबर का नाम आप लोगों ने देखा भी होगा सुना भी होगा रबर को, तो जो रबर आप लोग यूज करते हैं अगर बात करें यहां पर तो रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है हमारी कंट्री का, तो ये आसाम के अंदर में, ठीक है? एक तो इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, रबर में हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले राज्य कौन से हैं, केरला सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, यानी कि KTK केरला तमिलनाडु कर्नाटक में सबसे ज्यादा रबर प्रोड्यूस होती है। मेजर प्रोड्यूसर ग्लोबली कौन है, थाईलैंड इंडोनेशिया मलेशिया वियतनाम चाइना और इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री 6वें नंबर पर है ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रोड्यूस करने में रबर को। कंज्यूमर
कौन है सबसे ज्यादा है? तो सबसे पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर इंडिया, फिर यूएसए, फिर जापान, फिर थाईलैंड, फिर इंडोनेशिया, फिर मलेशिया। यानी कि कंज्यूम करने में टॉप दूसरे नंबर पर हम लोग आते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑल ओवर वर्ल्ड में फर्स्ट ये यहां पर एक तरीके रबर प्रोड्यूस की जा रही है। तो इससे हमारी कंट्री की जो क्षमता है रबर को प्रोड्यूस करने की वो भी बढ़ेगी और इसी के चलते हम लोग उसको ढंग से यूटिलाइज भी कर पाएंगे। तो ये अभी हमारी कंट्री में न्यूज में आया और किसके द्वारा? ये रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आसाम के अंदर है उसके द्वारा ये चीजें सामने निकालकर लाई गई। ठीक है, और जो ऊपर एनर्जी वाला डिस्कस किया था ना उसमें कई सारी एनर्जी आप लोग इसमें हाइड्रल, सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोमास, तो ये कई सारी एनर्जी है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी भी आप लोग इनको बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो आगे न्यूज डिस्कस करने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, खासकर ये नीचे वाली। रशिया के द्वारा क्या किया गया? क्रीमिया को एनेक्स किया गया। तो क्रीमिया को एनेक्स किया गया 2014 में, तो उसको एनेक्स करने के साथ में रशिया के ऊपर कई सारे इंपैक्ट पड़े। G7 कंट्री से बाहर निकालकर G8 कंट्री से बाहर निकालकर G7 कर दिया, रशिया पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ा, रशिया को एक तरीके से चीजें काफी ज्यादा झेलनी पड़ गई। ये सारा किसके लिए था? ये क्रीमिया इनके द्वारा हत्याया गया, इसके ऊपर था यहां पर जो यूक्रेन से। तो आज की डेट में ये ब्लैक सी को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, तो इसीलिए रशिया के द्वारा ये हरकतें की गई। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ब्लैक सी को यहां पर यूक्रेन सी के नाम से भी आप लोग जानते हैं, तो कंफ्यूज मत होना अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बेस्ट क्वेश्चन बन जाएगा ब्लैक सी के बारे में कि कनेक्ट करता है सी ऑफ अजोव को यहां पर स्टेट ऑफ क्रेच के साथ में। अगर आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं तो ये हो गया सी ऑफ अजोव, ये हो गया ब्लैक सी, ये हो गया कर्च स्टेट। ठीक है, तो ये इसके साथ में कनेक्ट करता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहां पर आप लोगों से कोई पूछे यहां पर, ये है बेसिकली मैरोमेटिक। ठीक है, तो बेसिन इसको क्या बोलते हैं, ये इस तरह का नाम किसके लिए है यहां पर? जब वाटर जो होता है, जो अपर वाटर अलग है और जो अपर लेयर अलग है, लोअर लेयर अलग है, वाटर जो है वो ज्यादातर अपने अंदर मिक्स नहीं करता है, यानी कि घूमता नहीं है ज्यादा, फिक्स चीजें रहती हैं। ठीक है, इसको यहां पर मैरोमेटिक बेसिन आप लोग बोलेंगे। तो ये ऐसा बेसिन भी आप लोगों को ब्लैक सी के अंदर देखने को मिलता है। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट यहां पर टर्म यूज की जाती है यूट्रोफिकेशन, तो यूट्रोफिकेशन भी यहां पर आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगा क्योंकि ज्यादा चेंज नहीं होती है चीजें। तो उस तरीके से यहां पर क्या होता है, यहां पर काफी सारी कंडीशन ऐसी होने लगती है यूट्रोफिकेशन जैसी। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? बेसिकली एक प्रोसीजर होता है जिसमें जो बॉडी है, पानी है, जो एक तरीके से पानी की जो बॉडी है उसके अंदर आप लोगों को काफी ज्यादा मिनरल्स, काफी ज्यादा जैसे समुद्र सोख नहीं बोल देते कई बार आप लोग, ठीक है, जलकुंभी जिसको बोलते हैं, वो वाली चीजें हो गई, कई सारी और चीजें, तो न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें होनी, एल्गी, काई वगैरह जमना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसके अंदर कई बार इतना ज्यादा ये चीजें हो जाती हैं ऊपर ऊपर कि उसके नीचे जो है जीव जंतु उनकी जान जाने लगती है, ना तो ऑक्सीजन जा रही है उनके पास में, ना उनके पास में सूरज की रोशनी जा रही है। तो यूट्रोफिकेशन कई बार काफी ज्यादा नुकसान यहां पर पहुंचा देता है पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं। तो ये भी कई बार इसके अंदर चीजें देखने को मिलती है क्योंकि इसका पानी ज्यादा हिलता डुलता ही नहीं है। तो ये है ब्लैक सी के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, कल को कोई पूछ ले। तो आगे चलते हैं, हमारी कंट्री में काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज रही और अभी भी इसके बारे में कई बार बात की जा रही है। तो बात करें यहां पर वोकल फॉर लोकल टॉय, यानी कि एक तरीके से पर्टिकुलर लोकल एरिया में अगर कोई टॉय बनाया जाता है, यानी कि खिलौना बनाया जाता है, उसको प्रमोट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा बोला गया कि वोकल फॉर लोकल टॉय की बात करो, यानी कि बाहर से जो चाइनीज खिलौने हम लोग खरीद के लाते हैं ना चाइना की कंट्री को, उनको बेसिकली हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, चाइना को हम लोग अमीर कर रहे हैं, अपने आप गरीब होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी कंट्री का माल हमारे देश में बेचो, हमारे लोग खरीदेंगे। तो इसके चलते टॉय का थोड़ी स्टार्ट किया गया 2021 में। तो इसके चलते बोला गया ग्लोबल जो मार्केट है वो 100 बिलियन की है, यानी कि टॉय खरीदे बेचे जाते हैं लगभग 100 बिलियन के करीब। इंडिया कंट्रीब्यूट करते हैं ओनली कितना 1.5 बिलियन और इंपोर्ट करता है कितना लगभग 80%। यानी कि हमारी कंट्री में खिलौने जो है वो 80% हम लोग बाहर से इंपोर्ट करके लाते हैं। तो क्यों ना हम लोग इनके लिए अपने देश में फैक्ट्री बना ले, हमारे देश के बच्चे यहां पर हमारे खिलौने से खेलने लगे। यही आप लोगों को देखने को मिलेगा जब एनर्जी के मामले में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल बाहर से खरीद कर लेकर हम लोग आते हैं, उसमें भी ऐसे ही कुछ मैटर है, लगभग 80% हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं, अपने देश में यहां पर लगभग 20% के करीब हम लोग यहां पर जुगाड़ कर पाते हैं। तो ये भी कई बार यहां पर न्यूज में रहते हैं, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है कई बार। ठीक है, बेसिक है, पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इन फिगर 2020 रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा रिलीज की गई। तो ये रिलीज की गई यहां पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा, जिसके चलते यहां पर 5-fold इंक्रीज की बात की गई कि मेजर फार्मर प्रोटेस्ट जो है हमारी कंट्री में वो बढ़ रहे हैं। यानी कि ये जो रिपोर्ट है इसने ये बोला कि आज के दिन में हमारी कंट्री में, हमारे देश में जो है किसान जो है काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इन फिगर 2020 रिपोर्ट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा ये बोला कि किसानों के प्रोटेस्ट देश के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। 2017 से अगर कंपेयर करें तो 34 मेजर प्रोटेस्ट हुए थे 15 स्टेट में, पर आज के दिन 165 प्रोटेस्ट हो रहे हैं लगभग 22 स्टेट के अंदर और यूनियन टेरिटरी के अंदर। तो ये गलत बात है, कहीं ना कहीं किसान जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसलिए काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो है ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन।
आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर। कौन है यहाँ पर? ये थावरचंद गहलोत साहब। तो थावरचंद गहलोत साहब के द्वारा अनाउंस किया गया है कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि जो दिव्यांगगण है उनके बारे में फोकस हम लोग कर सके। यानी कि जैसे कि दिव्यांगगण तो एक तरीके से यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर ये एक तरीके से जो खेल सेंटर बनाया जा रहा है, खेल केंद्र बनाया जा रहा है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर यह नाम भी दिया गया है। तो इसका नाम यहाँ पर दिव्यांगन खेल केंद्र रखा गया, यहाँ पर दिव्यांगत खेल केंद्र। तो ये कंट्री के अंदर कई डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पर इनको बना गया ताकि जो दिव्यांग जन है उनको यहाँ पर खेल के अंदर उनको लाया जा सके। और पैसा कहां से आ रहा है निकलकर? असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन, जिसको ADIP बोला गया स्कीम के तहत, ये पैसा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट अकेली के पास में इतनी क्षमता नहीं है, वो इतने सारे लोगों को इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करा सके, तो कई बार पैसा जो है वो इकट्ठा भी किया जाता है, ठीक है, ताकि यहाँ पर लोगों की हेल्प की जा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा यहाँ पर ये फंड देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, ये है योग चरित्र के बारे में। तो योग जो सचित्र चरित्र नहीं सॉरी सचित्र, यानी कि योग को चित्र की भाषा से समझाया गया यहाँ पर ये। तो 26 ईयर आफ्टर जो बुक है वो पब्लिश की गई है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है, यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की गई, डायरेक्टरेट ऑफ जो पब्लिकेशन है यहाँ पर डिविजन मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। तो रिवाइज किया गया यहाँ पर जो एडिशन है, इसका नाम है योग सचित्र। इसका जो इलस्ट्रेशन है वो लिखा गया यहाँ पर योग एक्सपर्ट, जिनका नाम है यहाँ पर धर्मवीर सिंह महिदा। तो इनके द्वारा हिंदी में इसको लिखा गया। इसके अंदर आप लोगों को 8 तरीके देखने को मिलते हैं, योगा हो गया, यम हो गया, ठीक है, नियम हो गया, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, इसी के साथ में प्रत्याहार हो गया, धरना यहां ध्यान हो गया, एक तरीके से ध्यान हो गया ना, एक तरीके से धरना ध्यान ये समाधि ये सब चीजें जो आप लोग यूज करते हैं। तो इस तरीके से यहां पर ये सारी चीजें डिटेल में इसके अंदर समझाई गई है, उनके सचित्र वर्णन किया गया। तो ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनका नाम है यहां पर धर्मवीर सिंह महिदा, ठीक है। तो इनके द्वारा यहां पर इसको हिंदी में बेसिकली प्रस्तुत किया गया गवर्नमेंट की हिसाब से, गवर्नमेंट के साथ मिलकर। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में था रिसेंटली, अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा हमारी कंट्री में क्या किया गया, हरदीप सिंह पुरी के अंदर है यहाँ पर ये। तो स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और प्रधानमंत्री ये बेसिकली आवास योजना, इसको बोला गया कि 6 ईयर यहाँ पर ये 3 स्कीम कंप्लीट कर चुकी है। तो इसकी वजह से ये न्यूज में है। तो तीनों स्कीम में से क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में स्टार्ट की गई थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर देखने को मिलती है, ठीक है, जिसके चलते स्मार्ट सिटी बनाने की देश के अंदर बात की गई। अमृत जो मिशन है यहाँ पर लॉन्च किया गया 2015 में, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर आता है। बेसिकली कैसे यहाँ पर लोगों को वाटर सप्लाई वगैरह ये सब चीजें और अच्छा जो सीवेज कनेक्शन होना चाहिए उसके बारे में बात की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना जो थी यहाँ पर, ये बेसिकली आवास प्रोवाइड कराने की बात की गई 2022 तक का, 2015 में ये भी लॉन्च की गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट कर रही थी। तो बेसिकली यहाँ पर शॉर्टेज है अर्बन पुअर लोगों के लिए घर, उसका हेल्प करने के लिए ये लाई गई थी। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 3 स्कीम आप लोगों को बता दी मैंने। आगे बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा साइन किया गया माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो वगैरह आप लोग यूज करते हैं ना, ये माइक्रोसॉफ्ट की होती है। तो इनके साथ में मिलकर यहाँ पर बेसिकली यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस, जिसका नाम रखा गया एग्री स्टेक, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा को इकट्ठा किया जाएगा और उसके चलते जो किसान है उनको यूनिक डिजिटल ID दी जाएगी। जैसे ऐसे नहीं, तो मान लीजिए मुझे कोई बीमारी हुई 2012 में, ठीक है, फिर बीमारी हुई 2017 में, फिर बीमारी हो गई 2022 में, तो इस तरीके से सारा डेटा जो है एक ID पे आ जाएगा, उसको हेल्थ ID बोला गया। कल को कोई भी डॉक्टर मेरा इलाज करेगा, वो बोलेगा अच्छा ये इंसान इस टाइम बीमार हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर बोला गया कि किसानों को भी ID दी जाएगी कि यहाँ पर कल को चलकर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे किसान अपने खेतों को लेकर, वो सारी चीजें। तो डिजिटल ID को आधार कार्ड के साथ में लिंक किया जाएगा, तो ये सारा डेटा माइक्रोसॉफ्ट के साथ में रखा जाएगा और इसी को एग्री स्टेक बोला गया बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोजेक्ट है एग्री स्टेक। तो कोई पूछ ले आप लोगों से तो कंफ्यूज आना आप लोगों को नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, आप लोगों को पता है इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया यहाँ पर ये, तो उसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज है। तो इंटरनेशनल योगा डे जो है वो 21 जून को सेलिब्रेट किया गया, तो योगा फॉर वेलबींग यहाँ पर इसकी थीम थी। तो ये तो क्वेश्चन आप लोगों से बन ही सकता है। अभी बात कर ले किसके बारे में, तो हु एम योगा ऐप, तो ये ऐप लाया गया, तो हु नहीं है बेसिकली, इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO। तो WHO मोबाइल योगा ऐप आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये जो योगा ऐप है ये ट्रेनिंग एक तरीके से प्रोवाइड करा रहा है, प्रैक्टिस एक तरीके से कॉमन योगा जो बेसिकली प्रोटोकॉल होती है कई सारी लैंग्वेज में लोगों को प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि योगा जो है वो इंटरनेशनल एक डे बन चुका है। अब ऐसा तो है नहीं कि इसको ब्राजील में नहीं देखेंगे, अर्जेंटीना में नहीं देखेंगे, जापान में नहीं देखेंगे, साउथ कोरिया में नहीं देखेंगे, चाइना में नहीं देखेंगे, तो अलग अलग लैंग्वेज यहां पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उसके चलते यहां पर सबको योगा की प्रैक्टिस प्रोवाइड कराई जा सके।
तो यहां पर एक सिस्टम भी लॉन्च किया गया कि वन वर्ल्ड वन हेल्थ, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड की हेल्थ को सुधारने के लिए योगा को पार्ट बनाने की बात की गई। तो यहां पर करेंटली जो ऐप है वो यहां पर दो आप लोगों को ऑफिशियल लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, एक तो इंग्लिश और एक हिंदी। अब यहां पर ये जो काम किया जा रहा है काफी लार्ज स्केल पर, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, तो याद रख लेना कहां पर है ये, दिल्ली के अंदर है। तो कोई आप लोगों से पूछे, इनके द्वारा ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च किया गया था, अगर योगा के फील्ड में कोई सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो इस पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट के थ्रू सर्टिफिकेट ले सकता है, इसकी वजह से ये न्यूज में भी था। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों से क्वेश्चन में बन जाए तो कंफ्यूज आना आप लोगों को नहीं है। आगे चलते हैं, यहां पर एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया निष्ठा। तो निष्ठा के आप लोग समझ सकते हैं कि इज्जत बेइज्जती की बात चल रही है, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स और टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये प्रोग्राम लाया गया। इसके चलते यहां पर क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट करने की कोशिश की गई, यानी कि ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोगों को बेसिकली एक तरीके से मोटिवेट करना है, इक्विप करना है जो टीचर है हमारे देश के अंदर, उनको इंक्रीज करना है कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर आए। यानी कि बहुत सारे लोग आप लोगों को देखते हुए मिल जाएंगे, ये चीज याद नहीं हो रही, रट लो इसको। ठीक है, तो यहां पर ये बोला गया कि निष्ठा का मतलब है कि रटना नहीं है, आप लोगों को उनको अंडरस्टैंड कराना है, कि उनको याद रखिए चीजें समझकर, ना कि रट्टू तोते की तरीके से। अगर रट्टू तोते की तरीके से काम किया तो थ्री इडियट मूवी वाला याद हो जाएगा फिर। ठीक है, तो वो नहीं कहते, एक तरीके से जो डायलॉग रहता है वो यहां पर जाकर पूरी बेइज्जती करके आता है कि इनके पास में धन है और इस तरह वो सारी चीज जो चलती है वहां पर। ठीक है, तो वो वाला जो डायलॉग है वो क्या होता है, जब इंसान जो है वो रट फट कर यहां पर ऐसी हरकतें करता है तो तब यहां पर उसको ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसी के चलते लॉन्ग स्टैंडिंग जो विजन है यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का, उनके भी अचीवमेंट्स के बारे में बात की जा रही है। तो एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल है EMRS, तो उसके तहत भी यहां पर कई सारा जो निष्ठा प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया गया, तो कई सारे लोगों को, कई सारे टीचर्स को फायदा हुआ और उसको ढंग से इंप्लीमेंट भी किया गया, तो इसकी वजह से फिर से न्यूज में आ गया यहां पर ये निष्ठा प्रोग्राम। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम है और निष्ठा का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स और टीचर, यानी कि जो प्रिंसिपल हो गए स्कूल के हेड और जो टीचर हो गए उनके लिए होलिस्टिक एडवांसमेंट का ये प्रोग्राम है, ताकि बच्चों के अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट की जा सके, सही और गलत में वो फर्क समझ सके। तो ये काम होता है टीचर का, टीचर का काम पढ़ाना नहीं होता है, जस्ट एक स्टूडेंट को उस तरीके से तैयार किया जाए कि लाइफ में क्या चीजें सही है और लाइफ में क्या चीजें गलत है, उसका भी फर्क वो बच्चों को समझाए। ठीक है, तो ये है निष्ठा प्रोग्राम। ओके, ये कुछ ऑपरेशन है मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे यहाँ पर ये जुलाई के महीने में, तो मुझे लगा इनको भी रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार न्यूज में भी रहते हैं। ऑपरेशन ईगल हमारी कंट्री में लाया गया था 1971 में, जब पाकिस्तान के साथ में वॉर हुई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो लाया गया था यहाँ पर, ये अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल वाला केस बना था 1984 में। ऑपरेशन मेघदूत लाया गया था यहाँ पर, ये सियाचिन ग्लेशियर के अंदर 1984 में। इसी के साथ में ऑपरेशन विजय लाया गया पाकिस्तान के लिए यहाँ पर कारगिल वॉर 1999 में। तो ये कई बार कई सारे ऑपरेशन के नाम आप लोगों से दे देते हैं आपको परेशान करने के लिए, तो फिर आप लोगों से पूछ लेते हैं कि मैच करो, तो अब मैच करें चाहे कुछ भी कराए, अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, कई बार क्या होता है, देखिए आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, तीन ऑप्शन दे रखे हैं, तीन में से दो पता है एक का नहीं पता है, तो कम से कम क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो गए ना। तो क्वेश्चन कितने ज्यादा निकालने हैं वो आप लोग तभी कर पाएंगे जब चीजों की प्रैक्टिस कर जाएंगे, तो इसलिए कभी भी प्रैक्टिस से पीछे नहीं हट रहे। ठीक है, आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज है। सबसे पहले तो इफको क्या है, कई बार आप लोग अगर किसान के बच्चे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा यूरिया का जो कट्टा होता है उसके ऊपर भी इफको लिखा रहता है। इफको जो है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है। तो इसके बारे में बात करें तो इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया लिक्विड फॉर फार्मर अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां पर किसान है उनको यहां पर ये इफको लिक्विड उनको यूरिया देखने को मिलेगा। जो कट्टा उठाए घूमते रहते थे ना कि हाँ कट्टा उठा दो, उसको उठाने में भी दिक्कत, फिर छिड़कने में भी दिक्कत, तो अब ये यहां पर ये यूज किया जाएगा। तो इसका क्या फायदा होगा, देखिए आप लोग समझ सकते हैं, लिक्विड चीज जो होती है, एक तो है कि मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों ना न्यूट्रिशन लेना है चीजों को खा खा कर, एक कोई बोले कि लिक्विड आप लोगों की बॉडी के अंदर डाल देते हैं इंजेक्शन के थ्रू या फिर कुछ और तरीके से ताकि तुरंत आप लोगों तक चीजें पहुंचे, तो लिक्विड का इफिशियंसी भी ज्यादा रहती है। लिक्विड जो है वो एक तरीके से कम मात्रा में यूज होता है तो भी इंपेक्टिव रहता है। तो यहां पर एक तो गोबर की खेतों में आप लोग डाल रहे हैं, एक है कि जरा सा एक सीसी का लिक्विड पानी में मिला है तो वो सब जगह पहुंच गया। ठीक है, तो उस तरीके से तो जो यहां पर ये एक तरीके से जो न्यूट्रिएंट है यहां पर ये लिक्विड ये प्रोवाइड कराएगा नाइट्रोजन टू द प्लांट्स, इसी के साथ में यहां पर रिप्लेस करेगा जो कन्वेंशनल यूरिया के जो बोरे आप लोग यूज करते हैं उसको यहां पर, और जो आज के डेट में बात करें रिक्वायरमेंट रहेगी एटलीस्ट 50, यानी कि जो आप लोग यूज करते हैं उसके कंपेयर में 50% आप लोगों को कम यूज करना पड़ेगा ये, तो इतना अच्छा है यहां पर ये। इसी के साथ में यहां पर इफेक्टिव रहेगा जो नॉर्मली कन्वेंशनल यूरिया रहता है वो 30-40% इफेक्टिव रहता है नाइट्रोजन को प्लांट तक पहुंचाने के लिए। जो ये नैनो यूरिया लिक्विड रहेगा ये 80% इफेक्टिव रहेगा। इंटरेस्टिंग चीज आप लोग देखें,
आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर डबल तो इफिशियंसी हो गई और क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर आधी हो गई। तो इस तरीके से किसानों को भी फायदा पहुंचाएगा, उनकी पॉकेट पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ज्यादा। और इंडिजिनियसली डेवलप किया गया नेशनल जो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है, कहां पर है, यहाँ पर यह कालोल गुजरात के अंदर में, तो इनके द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया। तो स्वदेशी डेवलपमेंट भी है यहाँ पर, तो कितनी अच्छी बात हो गई ना यहाँ पर। तो इफको नैनो जो यूरिया है उसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, हमारे देश में एक तरह से रिड्यूस करेगा इनपुट कॉस्ट, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, इंप्रूव करेगा न्यूट्रिशन वैल्यू, इंक्रीज करेगा फार्मर की इनकम क्योंकि पैदावार भी बढ़ेगी और जेब पर खर्च भी कम पड़ेगा, क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगा, और सबसे सस्ती सबसे अच्छी बात है कि आम के आम और गुठलियों के नाम सस्ता का सस्ता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बात यहां पर बोल सकते हैं। तो ये हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन, आगे चलते हैं। ये काफी एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर देखने को मिली अभी, बेसिकली जो हैती है, हैती आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये यूएसए हो गया, इसके नीचे यहाँ पर एक कंट्री है, अगर मैप में देख सकते हैं तो ये आप लोग थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ये हैती कंट्री आप लोग को देखने को मिलेगी कैरिबियन सी के अंदर में। अभी हुआ क्या है यहाँ पर, हैती के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम था यहाँ पर जोवेनिल मोइस, ठीक है, तो उनकी डेथ होगी। डेथ क्या होगी, बेसिकली कई सारे बंदूकधारी आए और उन्होंने उनके घर में घुसे और उनको गोलियों से छलनी कर दिया, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर ये दिक्कत देखने को मिली। तो कंट्री के जो इंटरिम जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई, जिनका नाम था क्लाउड जोसेफ, उनके द्वारा बताया गया कि ऐसा कुछ यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो इनके द्वारा फिर चीजों को लिया गया, तो बोला गया कि अनआइडेंटिफाइड आर्म पर्सन आए यहाँ पर, उनके द्वारा इनकी जान ले ली गई। तो हैती एक कैरेबियन कंट्री है, क्यूबा और जमैका के आप लोगों को पड़ोस में देखने को मिलेगी, द बहामास और तुर्क और यहाँ पर काइकोस आइलैंड भी इसके पड़ोस में आप लोगों को नजर आएंगे। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, कई बार पर्सन स्पेसिफिक न्यूज भी आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो थोड़ा सा याद रहेगा तो कंफ्यूज आओगे नहीं एग्जाम में बैठकर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर जो कि श्री जो प्राइम मिनिस्टर जो श्री नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा अभी फर्स्ट कॉपी उनको मिली, द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। तो यहाँ पर ये बेसिकली बुक का टाइटल है, यहाँ पर ये जो बुक है यहाँ पर लेट जो यहाँ पर जिनका नाम है बलजीत कौर तुलसी जी, तो उनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली ये किताब जो है लिखी गई है, ठीक है। एक तरीके से एक जो बलजीत कौर यहाँ पर बलजीत कौर तुलसी जी जो मदर भी है यहाँ पर, जो नोटेड लॉयर का नाम आप लोगों ने सुना होगा KTS तुलसी, ठीक है, तो उनके द्वारा पब्लिश की गई थी यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर बुक फॉर द आर्ट्स IGNCA के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो 10th और लास्ट सिख गुरु थे अगर ह्यूमन फॉर्म में आप लोग बात करते हैं तो, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड आप लोग न्यूज है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये है बेसिकली मैंगो के बारे में। अभी हमारा पड़ोसी देश जो है यहाँ पर शेख हसीना जी है, तो शेख हसीना जी जो है वो काफी ज्यादा खुश थी अभी यहाँ पर उनके द्वारा हर भजन, याद रखेंगे यहाँ पर ये बेसिकली आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, हर भजन नहीं है, जानबूझकर बोल रहा हूँ यहाँ पर, इसका नाम है बेसिकली हरिभागा, ठीक है। तो ये आप लोगों से पूछा भी जा सकता है इस तरीके से, ये इंडिया और पाकिस्तान जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अभी जो न्यूज थी, कौन सी कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने खुश होकर यहाँ पर हरिभंगा, तो हरिभंगा जो मैंगो है यहाँ पर ये बेसिकली हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है उनको, मिजोरम की त्रिपुरा और आसाम और मेघालय इनको भेजे गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हरिभंगा जो मैंगो है यहाँ पर ये इनको यहाँ पर इनके द्वारा भेजे गए। तो ये बांग्लादेश के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं और काफी एक अच्छे आम माने जाते हैं यहाँ पर, ये लगभग यहाँ पर ये 2600 किलो के करीब ये आम भेजे गए बांग्लादेश से, एक तरीके से फ्रेंडशिप के तरीके से, एक तरीके से नहीं आप लोग तरीके से, कभी मान लीजिए आप लोगों के एरिया में कोई पर्टिकुलर फ्रूट फेमस है, आप लोग मेरे से मिलने आओ तो आप लोग क्या करो, एक फ्रूट लेते आओ थोड़ा, ठीक है, कि एक किलो फ्रूट लेके चलते हैं सर के लिए, बहुत टेस्टी है हमारे एरिया के, साई लीची बिहार में, जिस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा। तो एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से अपना जेस्चर दिखाने का तरीका होता है कि हाँ हम लोग खुश हैं, जो हम लोग इस तरीके से एक तरीके से सामने वाले को एक रिस्पेक्ट पे करने का भी तरीका इसको माना जाता है। तो यहाँ पर पेट्रापोल बॉर्डर जो है इसी के साथ में यहाँ पर जो बेसिकली बनगांव है वेस्ट बंगाल में, तो ये यहाँ पर इसके थ्रू भेजे गए, जो कि एक कनेक्टिंग पोस्ट भी है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। बोल नहीं रहा हूं कि मेरे से मिलना हो तो फल लेके आना, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, कभी उसको गलत तरीके से आप लोग ले लो, ओके, ये बस जैसे एक मजाक था, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है और संबंध हुआ भी तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात की जा रही है यहाँ पर स्पेन जो बेसिकली गवर्नमेंट है, यानी कि स्पेनिश जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा यहाँ पर कुछ अभी स्टेप उठाए गए, उनके द्वारा क्या स्टेप उठाए गए, उनके द्वारा अलाउ किया गया जो एज 14 है कि लीगली चेंज कर सकता है अपना जेंडर विदाउट मेडिकल डायग्नोसिस, यानी किसी को लगता है लड़के से लड़की और लड़की से लड़का बनना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसकी पर्सनल लाइफ में भाई साहब कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्या हमारे देश में सारी चीजें इतनी जल्दी जल्दी अलाउ है, इसके लिए कोई रूल और रेगुलेशन है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपने देश के बारे में। ये तो है स्पेन के बारे में, तो शायद ही पूछेगा, पर अपने देश के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा। हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर लॉ या बेसिकली केस था जिसको बोला गया था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये NALSA, तो ये वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में यहां पर ये केस निकल कर आया, जिसमें ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर बना दिया, यानी कि एक हो गया मेल, एक हो गया फीमेल, एक हो गया टी, यानी कि ट्रांसजेंडर। तो यहां पर डिग्निटी अंडर आर्टिकल जो 21 के तहत यहां पर बोला जाए, तो ये बोला गया कि लाइफ और डिग्निटी जो है उसको मेल रहना है, फीमेल रहना है, पर्सनल लाइफ है, क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, उसको हिसाब से एंजॉय करने दो, उसकी लाइफ है,
ठीक है, तो उसको डिसाइड करने दो। अगर बात करें तो राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात की जाए तो यहां पर आर्टिकल 14 बात करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात करें तो आर्टिकल 19 बात करता है। तो जेंडर न्यूट्रल है ये, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि यहां पर आइडेंटिफाई किया गया है, इनके सबके लिए है। तो फिर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ये राइट क्यों नहीं मिलेंगे? इनमें कहीं लिखा ही नहीं है कि मेल के लिए है राइट या फीमेल के लिए। राइट टू इक्वलिटी बस मेल के लिए, राइट टू एक्सप्रेशन बस फीमेल के लिए, ऐसा थोड़ी ना लिखा गया, ऑल पर्सन के लिए है। तो ऑल पर्सन में यहां पर ट्रांसजेंडर भी आ जाते हैं, तो उनको भी हक मिलने चाहिए, संविधान में कहीं उनको अलग से मेंशन नहीं किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट यहां पर न्यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर आप लोगों से मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, बहुत किया ओथ ऑफ द ऑफिस टू गवर्नर, अगर गवर्नर को यहां पर ओथ दिलाने की बात करें तो कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट उनको ओथ दिलाते हैं। अगर बात करें तो सातवां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1956 में, सेम पर्सन जो है कैन बी अपॉइंटेड द गवर्नर टू और मोर स्टेट, यानी कि एक पर्सन के भूखंडों पर दो या दो से ज्यादा स्टेट का भी भार डाला जा सकता है। तो ये भी बेसिक एक न्यूज है जो कि आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर ये है मलेशिया के बारे में। तो मलेशिया साउथ चाइना सी के जो पास में एक कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट बातें क्या है वो समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आप लोगों से कोई पूछे कि व्हाइट फ्लैग कंपेन जो है वो किस कंट्री में चलाया गया। व्हाइट फ्लैग कंपेन जो है ये मलेशिया में चलाया गया। इसका मतलब ये था कि कोई अपने झंडे के बाहर, बोल रहा हूं, अपने घर के बाहर कोई झंडा लगा देगा व्हाइट फ्लैग, तो यहां पर उस पर्टिकुलर पर्सन का मतलब ये है कि भाई साहब हालत खराब हो चुकी है, कोरोना के चलते लॉकडाउन काफी लंबा चल गया, तो ऐसा लग रहा है कि अब खस्ता हालत हो जाएगी। तो यहां पर जब यहां पर लॉकडाउन लगाया गया 1 जून से, तो काफी लंबे समय तक यहां पर चला और उसको बढ़ाते गए, तो कई सारे लोग जो है भूखे मरने लगे, तो घरों के अंदर व्हाइट झंडा दिखाने लगे। इनका कहने का मतलब ये था, व्हाइट झंडे का मतलब कि कोई आकर हेल्प कर दो, फाइनेंशियली क्रंच हो चुके हैं, खाने के लिए घर में कुछ नहीं बचा है, अगर कोई हेल्प नहीं करेगा तो मर जाएंगे। तो ये यहां पर बेसिकली चलाया गया। अगर कोई मान लीजिए मेरे पड़ोस में मान लीजिए किसी ने व्हाइट फ्लैग दिखा दिया और मैं पड़ोस में रहता हूं, तो मैं उसको खाना दिया हूं, कुछ पैसे दिया हूं, एक तरीके से गुड समार्टन की कैटेगरी में यहां पर आ गए कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल तक तो पहुंचा दो कम से कम, तो वो वाली बातें हैं। तो ये पड़ोसी हेल्प करे या फिर कोई और हेल्प कर दिया का। इसी के साथ में ब्लैक फ्लैग भी स्टार्ट किया गया। ब्लैक फ्लैग किसके लिए था? गवर्नमेंट के लिए। प्राइम मिनिस्टर जो एम यसीन थे उनको बोला गया रिजिग्नेशन दो, यहां पर तुमने देश को बर्बाद कर दिया, तुम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो जो देश के अंदर इतनी बिहेवियर कंडीशन बन गई है। तो ये सारी चीजें कहां देखने को मिली? ये अपनी प्यारी कंट्री, यहां से आप लोग जाएंगे तो ये देखने को मिलेगा मलेशिया। तो यहां पर ये सारी दिक्कतें निकल कर आई। हालांकि हमारे देश में गवर्नमेंट के द्वारा अच्छी स्टेप उठाए गए, कई सारी चीजों को आसानी से कंट्रोल कर लिया गया, वो एक अलग बात है, पर लेकिन कई सारे देशों में काफी बड़ी दिक्कतें देखने को मिली हैं। यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों से यहां से हो सकते हैं। बेसिकली बात की जा रही है हमारी कंट्री में भी नई मिनिस्ट्री क्रिएट की गई। आप लोगों ने सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन हमारी कंट्री में निकल कर आई। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है इसका विजन क्या है? इसका मिशन था बेसिकली सहकार से समृद्धि, ठीक है। तो ये यहां पर इसका मिशन रखा गया। तो इसके चलते क्या हमारे संविधान में कहीं इस चीज के बारे में मेंशन है? अगर आप लोगों से कोई पूछे तो जब आप लोग पार्ट 3 के अंदर जाएंगे संविधान के अंदर, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो उसके अंदर आर्टिकल 19 आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 19 का 1(1) के सी में जब आप लोग जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स, तो ये आप लोगों को यहां पर निकल कर आएगा। तो सी का मतलब कोऑपरेटिव्स, तो उससे याद रखना ये फंडामेंटल राइट के अंदर इसको दिया गया है। क्या ये फंडामेंटल राइट के अंदर ही बस मेंशन है? नहीं भाई साहब, ये पार्ट 4 में भी आप लोगों का मेंशन है। पार्ट 4 में आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। उसके अंदर जब आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 43(b) आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये क्या करता है कि स्टेट जो है वो प्रमोट करे कि वॉलंटरी अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑटो एक तरीके से ऑटोनोमस फंक्शन अगर कोई ऐसा होता है यहां पर कोऑपरेटिव अगर सोसाइटी बनाना चाहते हैं, उसको प्रोफेशनली मैनेज करना चाहते हैं, तो उसको प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये बातें यहां पर इनके द्वारा बोली गई कोऑपरेटिव्स के बारे में। इवन अगर आप लोग कोऑपरेटिव्स के बारे में जाकर देखेंगे तो पार्ट 9 के बी में, जिसको पंचायती राज बेसिकली आप लोग बोलते हैं, ठीक है, पार्ट 9 के बी में, सॉरी कोऑपरेटिव से अलग से पंचायती राज में, सॉरी कोऑपरेटिव, जैसे कि आप लोगों को बता देता हूं थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में। जैसे आप लोग यहां पर जाएंगे आप लोगों को देखने को मिला ना कि जैसे कि पंचायती राज सिस्टम कहां पर रखा गया है, पार्ट 9 में रखा गया है। तो पार्ट 9 में जो पंचायती राज सिस्टम रखा गया है, तो आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल आप लोगों को 243(o), तो ये क्या है इसमें, ये पंचायत के बारे में मेंशन किया गया है। जब यहां पर पार्ट 9 के ए में आप लोग जाएंगे तो उसमें आ जाता है फिर म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। तो म्युनिसिपैलिटी आ गया, तो म्युनिसिपैलिटी में आपको लगेगा आर्टिकल 243 का जो पी है उससे लेकर आर्टिकल 243 का आप लोग यहां पर जेड जी देखने को मिलेगा, इसके अंदर आप लोग की म्युनिसिपैलिटी आ गई। इसी के अंदर जब आप लोग जाएंगे पार्ट 9 के अंदर ही आप लोग को बी भी देखने को मिलेगा। तो ये जो बी है इसमें बात करते हैं कोऑपरेटिव्स के बारे में। तो आर्टिकल 243(z)(h) से लेकर आर्टिकल 243(z)(t) आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारा कार्यक्रम आर्टिकल 243 के अंदर आते हैं, इसीलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओरिजिनली संविधान में आर्टिकल 2
395 है, ठीक है। तो ये 395 आर्टिकल है, इसमें से ओरिजिनली तो ये इतने ही हैं, पर इसके अंदर ए बी सी डी ये सब ऐड कर दिए गए, तो बहुत सारे आर्टिकल आज के डेट में संविधान के अंदर हो गए हैं। अगर बात करें जो कोऑपरेटिव्स है, अगर उसके बारे में आप लोगों से कोई पूछे तो ये कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो स्टेट लिस्ट के अंदर है कोऑपरेटिव्स, ठीक है। हमारे संविधान में सातवें शेड्यूल में तीन लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्कर लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट के अंदर आप लोगों को कोऑपरेटिव्स देखने को मिलेगा। तो ये भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग याद रखेगा। तो नई कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई गई है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लीगर और जो पॉलिसीज फॉर्म का काम करेगा, तो उसके चलते यहां पर कोऑपरेटिव जो मूवमेंट चलाने की बात की जा रही है। कोऑपरेटिव में होता क्या है बेसिकली, मान लीजिए आप लोग क्या करें, एक पर्टिकुलर बैंक के पास में जाएं, ठीक है, उस बैंक को बोले कि कोऑपरेटिव बैंक है ये, आप लोग इसमें कोई 5000 रुपए दे रहा है, कोई 6000 रुपए दे रहा है, कोई 8000 रुपए दे रहा है, इस बैंक ने ये पैसा जो है मार्केट में लगा दिया, तो यहां से अब जो प्रॉफिट निकल कर आएगा तो प्रॉफिट आप लोगों के साथ में शेयर करेगा। ऐसा नहीं है जो नॉर्मल बैंक में आप लोग जाकर रखते हैं 4% का आप लोगों को इंटरेस्ट दे रहा है, 5% का इंटरेस्ट दे रहा है, ऐसे नहीं होगा। इसमें प्रॉफिट आप लोगों के साथ में शेयर होगा, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव्स, यानी कि आप लोगों की मेहनत का आप लोगों को बेसिकली प्रॉफिट में शेयर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि फिक्स कर दिया, ठीक है, कोई कंपनी बना ली, उस कंपनी में मिलकर सब काम कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट होगा वो सब में बटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ऐसा नहीं कि बस एक प्राइवेट कंपनी है उसमें मालिक काम कर रहे हैं, बाकी सबको सैलरी मिलेगी, उसके कुछ फायदे कुछ नुकसान होते हैं, कंपनी को अगर नुकसान होगा सैलरी मिलने वाले को सैलरी मिलेगी, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्केट कोई प्रॉफिट होगा, मालिक कोई प्रॉफिट होगा, मालिक कोई नुकसान होगा, तो ये कुछ बातें इसके बारे में, ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत रखना, बिल्कुल डिटेल में समझा दिया कहां कहां पर क्या क्या बातें हैं। आगे बात करते हैं, ड्यूरिंग अपनी 4 डे की विजिट में जब यूके और इटली पहुंचे हमारी कंट्री के आर्मी चीफ, जिनका नाम है चीफ जो मनोज नरवाने, उनके द्वारा यहां पर इंडियन आर्मी मेमोरियल ये बेसिकली इनके द्वारा लॉन्च किया गया, ये कहां पर कैसेनो इटली के अंदर में। रीजन क्या था यहां पर, ये रोम से लगभग 140 किलोमीटर, रीजन ये था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में यहां पर ये 3100 के करीब कॉमनवेल्थ के जो सर्विसमैन थे उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया इटली को यहां पर लिबरेट कराने के लिए, तो उसमें लगभग 900 इंडियन सोल्जर भी थे, तो उसके चलते यहां पर हमारे जो उनके भी नाम यहां पर कमेमोरेट किए गए, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक यादगार तरीके से इसको याद किया गया कि हाँ इस तरीके से उनके बारे में बात की जाए, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ये महीना जो था ये काफी एक तरीके से क्रूशल महीना देखने को मिला, इसके बारे में बात किया है तो यहां पर ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना रहा। बात करते हैं यहां पर स्वामी स्टैन, जो स्टैन स्वामी है उनकी डेथ होगी। बेसिकली यहां पर कंडीशन क्या थी, जेल में बंद कर रखा था इनको काफी लंबे समय से, और इनके ऊपर UAPA लगा दिया, जिसको बोलते हैं बेसिकली अनलॉफुल एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि मान लीजिए कल को लगे किसी को कि मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं, ये इंसान बाहर किसी को भी गोली मार सकता है, किसी के ऊपर भी गाड़ी चढ़ा सकता है, तो इस इंसान को जेल में डाल देना चाहिए जब तक कि यहां पर शांति ना हो जाए, ठीक है। यानी कि एक तरीके से कोई मतलब कोई एक तरीके से रैली हो रही है, पता चला रैली में जाकर ये घुड़दंग करेगा, तो इस तरीके से इसको जेल में डालकर रखो। तो यहां पर ये होता है कि सेक्शन 43 जो डी है इसका, वो बेसिकली ऐसा भी अलाउ नहीं करता है कि आप लोग यहां पर जाकर अपनी बेल वगैरह भी ले सकें, ठीक है। तो बेल वर्चुअली इम्पॉसिबल है इसके अंदर, यहां पर एक तरीके से कोई रूम नहीं छोड़ता है जुडिशियल रीजनिंग के लिए। तो इसके चलते यहां पर ये जो स्टैन स्वामी है वो काफी लंबे समय से इसके साथ में लड़ रहे थे, यहां पर बेसिकली इसको रोका जाए। तो UAPA जो है वो 1967 में इनेक्ट किया गया था, और कांग्रेस थी उस टाइम पर पावर में, उसके द्वारा 2008 में और 2012 में इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया ताकि कोई इसके खिलाफ जाकर काम ही ना कर सके। तो ये खामियाजा अब तक भुगतना यहां पर पड़ रहा है। तो बोला गया था कि हमारी कंट्री में हमारे ही लोगों के खिलाफ इस तरीके से आप लोग यूज कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये उनकी डिग्निटी के भी खिलाफ है, उनके राइट के भी खिलाफ है, ये सब तरीके से गलत चीजें हैं। आप लोग कम से कम यहां पर कि बेल तो इंसान को मिलनी चाहिए, इनकी हालत इतनी खराब बताई जा रही थी उस टाइम पर कि ये जेल के अंदर जो बेसिकली जो चम्मच नहीं होता है, पार्किंसन डिजीज थी, उन्हें हाथ हिलता रहता है तो कुछ भी खा नहीं पाते थे। इन्होंने बोला कि मुझे स्ट्रोल आकर दे दो या फिर कुछ ऐसी चीज से मैं पी सकूं उसको, क्योंकि हाथ हिलते रहते हैं पार्किंसन डिजीज की वजह से, बॉडी हिलती है तो दिक्कत होती है खाने पीने में भी। पर वो भी वहां पर उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी बन गई कि वो भी प्रोवाइड नहीं कराया गया, तो इसके चलते काफी ज्यादा न्यूज में थी चीजें, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इटली के द्वारा अभी G20 की फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग थी वो होस्ट की गई। तो यहां पर COVID-19 के चलते यहां पर कैसे COVID-19 को फाइट करना है, ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे रिकवर करना है, सस्टेनेबल कैसे चीजों को बनाना है, अफ्रीकन एरिया में कैसे ग्लोबल इकोनॉमी को बूस्ट करना है क्योंकि वहां पर दवाई भी नहीं पहुंच पाई ढंग से। तो करेंटली इटली के पास में प्रेजिडेंसी G20 की, 2021 किसके पास में, इटली के पास में, 2023 जो है वो यहां पर किसके पास में होगी, वो इंडिया के पास में, यानी कि 2023 में हमारे देश में G20 की मीटिंग होने वाली है। अब बच गया बीच में 2022, आप लोगों को मैंने बताया 2021 में इटली है, 2023 में इंडिया है, 2022 में कौन है उसका भी नाम आई से ही बनता है, वो नाम क्या है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है।
बताइए। चलिए, इंडियन रेलवे के द्वारा पहली बार देश के अंदर मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम बनाया गया, बेसिकली बेंगलुरु स्टेशन पर, ये कि पहली बार देखने को मिला। कुछ ऐसा माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां पर लाइव मछली, लाइव जो पहाड़ वगैरह होते हैं, वो सब चीजों का आप लोग इंजॉयमेंट कर सकते हैं। एक तरीके से टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तरीके से इंप्रूव किया जा रहा है रेलवे स्टेशन को भी। तो बेंगलुरु के अंदर यहां पर ये काफी अच्छा नजारा भी देखने को मिला, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में भी था। तो बेसिक है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या है, यहां पर कैसे इंसान जो है उसमें से आग निकल रही है और वो उड़ रहा है। डिफेंस में न्यूज आप लोगों से बन सकती है कि CSS क्या है यहाँ पर, जिसको कैनोपी सर्विलेंस सिस्टम बोला गया है। जैसे आप लोग गाड़ी के अंदर बैठते हैं, तो गाड़ी के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि गाड़ी के अंदर बैठते हो तो आप लोग एक तरीके से नहीं, जो गाड़ी के अंदर जो सिस्टम रहता है उसमें एक्सीडेंट के टाइम पर ये बोलते हैं ना कि एयर बैग खुलकर आ जाएगा, तो वो एयर बैग है बेसिकली, जहां इंसानों की जान बचाता है। पर लेकिन हवाई जहाज के अंदर एयर बैग का क्या कर लेगा जब आग लग जाएगी? तो एक ऐसा सिस्टम है जिसको CSS बोला गया है, और ये यहाँ पर आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इसको बनाया गया है कि हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के साथ मिलकर, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो जो पायलट है उसके लिए एस्केप रहेगा यहाँ पर, कि एक तरीके से ऐसे वो बाहर निकल पाएगा तुरंत, उसको वो सिस्टम उठाकर बाहर फेंक देगा कि हवाई जहाज के अंदर कुछ भी ऐसी दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ये जो है बेसिकली हमारी कंट्री में लाइट कॉम्बैक्ट एयर जो है बेसिकली एयरक्राफ्ट जो तेजस है, और इसी के साथ में ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है उसके अंदर भी यहाँ पर, या फिर HJT एयरक्राफ्ट या HTT-40 एयरक्राफ्ट, तो काफी फायदा देखने को मिलेगा। होता क्या है, कई सारे पायलट की जान चली जाती है हमारे देश में, तो ये जान बचाने का मुझे तो काफी सुरक्षित तरीका लग रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है। आगे बात करें, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा इनोग्रेट किया गया यहाँ पर जेन, जो बेसिकली जेन गार्डन कैजन एकेडमी, कहां पर? अहमदाबाद गुजरात के अंदर में। ठीक है, तो जो अहमदाबाद वासी हैं वो इसके बारे में जानते होंगे। आप लोग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा। जेन इन जापान का मतलब होता है मेडिटेशन, कैजन का मतलब होता है चेंज फॉर द बेटर, यानी कि आप लोग डेली अपने आपको इंप्रूव करो। अगर आप लोगों को हेल्थ इंप्रूव करनी है, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है, राइटिंग स्किल इंप्रूव करनी है, जो भी आप लोगों को लगता है, तो कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट जो होता है उसको बोलते हैं बेसिकली कैजन। ठीक है, तो ये जापानीज भाषा में इसको कैजन के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहां पर जेन यानी कि एक तरीके से मेडिटेशन, काइजन यानी कि चेंज फॉर बेटर, तो यहां पर ये देखने को मिलेगी एकेडमी कहां पर, ये है बेसिकली अहमदाबाद गुजरात के अंदर में। आगे बात करते हैं, यहां पर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो NTPC जिसको आप लोग बोलते हैं, फर्स्ट कंपनी बन गई है जिसने एनर्जी कंपैक्ट गोल जो यूनाइटेड नेशन के हैं उसके चलते यहां पर यूनाइटेड नेशन जो लेवल डायलॉग है हाई एनर्जी को लेकर, या फिर एनर्जी को लेकर जिसको HLD बोला गया, यानी कि हाई लेवल जो डायलॉग ऑन एनर्जी, तो उसके चलते यहां पर UN एनर्जी कैसे एनर्जी को सेव कर सकते हैं, तो डिकेड ऑफ एक्शन के लिए तैयार हो गए यहां पर कि 2030 तक का काफी कुछ काम करना है ताकि अफोर्डेबल एनर्जी को यूज किया जा सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7वां भी इसी मुद्दे के बारे में बात करता है, यानी कि 7वां गोल क्या बोलता है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी के बारे में पूछ ले कोई, कौन सा गोल है यार बताओ तो सही, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7वां है, तो बता दिया तो सही, अब कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं हमारी कंट्री में। यहां पर बेसिकली नेटरिक्स करके एक सिस्टम इनोग्रेट किया गया जहां पर गाड़ी को टेस्ट किया जाएगा, जो हाई स्पीड गाड़ी होती है, यानी कि एक गाड़ी होती है रेसिंग गाड़ी, तो उनको टेस्ट करने की कोशिश की जाएगी दूसरी गाड़ियों को भी। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के द्वारा बोला गया ये हमारी कंट्री में एक फैसिलिटी अवेलेबल करी जाएगी इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर में। नॉर्मली एशिया के अंदर ये यहां पर लॉन्गेस्ट है, हमारी कंट्री के अंदर वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट है, वरना अब तक का ये सारी चीजें टेस्ट करने के लिए हम लोग को बाहर देश में जाना पड़ता था। तो अब यहां पर अपने ही देश के अंदर ये नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग और रिसर्च डेवलपमेंट बन गया हमारी कंट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसको यहां पर नेटरिक का नाम दिया गया। तो कहां पर है, मध्य प्रदेश इंदौर के अंदर में। तो जो इंदौर वासी हैं, मध्य प्रदेश वासी हैं, उनके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज आना आप लोगों को नहीं है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, हालांकि फैक्चुअल न्यूज़ है, यहां पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा 500 मिलियन के करीब रुपए दिए गए हमारी कंट्री में इनफॉर्मल सेक्टर को, ताकि जो COVID-19 के पेंडेमिक से बचाया जा सके। तो 450 मिलियन जो है यहां पर इनफॉर्मल सेक्टर के लिए अभी यहां पर यूज किए जा रहे हैं। 90% अगर टोटल वर्क फोर्स माने, जैसे कि कुछ तो ऐसे लोग हैं रेप्यूटेड कंपनी में काम कर रहे हैं, प्रॉपर उनको छुट्टियां मिलती हैं, प्रॉपर सैलरी मिलती है, प्रॉपर उनकी देखरेख कहती है, इंश्योरेंस रहते हैं, पर लेकिन इनफॉर्मल में कुछ ऐसा नहीं है, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा वरना नहीं मिलता है। तो इस तरीके से जो लोग हैं उन पर फोकस देने की बात की जा रही है, और 90% वही लोग हैं, और 8 से 10 मिलियन लोग हर साल यहां पर आप लोगों को एड होते हुए नजर आएंगे। तो 450 मिलियन इनफॉर्मल लोग हैं, 500 मिलियन यहां पर पैसा दिया जा रहा है, तो लगभग 450 मिलियन लोगों जो हैं, जो वर्कफोर्स है इनफॉर्मल, आप लोगों को देखने को मिलेंगे नॉर्मली। तो 90% जो है यहां पर है, और 5 से 10 जो है यहां पर हर साल ऐड होते रहते हैं एनुअली। नेक्स्ट बात की जा रही है चित्तूर शंकर नायर, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, पुराने टाइम में एक लॉयर थे। तो यहां पर मद्रास हाईकोर्ट के अंदर तो इनके द्वारा केस भी लड़ा गया था,
तो जलियांवाला बाग वाला, तो यहां पर गांधी एंड अनार्की, गांधी एंड अनार्की, तो गांधी और अराजकता, तो 1922 में ये इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी। इस किताब के ऊपर अभी करण जौहर जो है वो बेसिकली मूवी बना रहे हैं, तो उसके चलते यहां पर ये न्यूज में आ गई। तो किताब यहां पर जो है ये इंपॉर्टेंट है राइटर और गांधी जी के बारे में, तो थोड़ा सा इसके बारे में क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। यूनियन जो मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा बोला गया कि अरुण जेटली स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हमारी कंट्री में जो बनाया जा रहा है कहां पर, यह है बेसिकली यहां पर हीरा नगर जम्मू के अंदर। तो क्वेश्चन बन जाए तो कहां पर अरुण जेटली स्पोर्ट ये कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, तो ये हीरा नगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। अरुण जेटली साहब जो है उन्होंने जो यूथ टैलेंट को काफी प्रमोट किया था, ऐसे सेंटर फाउंडेशन स्टोन रखने की कोशिश की, तो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी जो अरुण जेटली जी की अभी आ रही है, तो उसके चलते भी यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहां पर उसी के उपलक्ष्य में इसको भी स्टेब्लिश किया जाएगा, तो बेसिक चीजें पता होना चाहिए। ओके, नीति आयोग के द्वारा रिलीज की गई कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नोट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल, यानी कि ऐसे हॉस्पिटल जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं बस जनता को फायदा पहुंचाना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 3 है, अगर उसके बारे में बात करूं, तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वो हेल्थ के बारे में बात करता है, तो नोट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन यहां पर होने चाहिए ताकि यहां पर लोगों को हेल्थ की सर्विस मिल सके, वरना प्रॉफिट वाले क्या करते हैं वो हमेशा प्रॉफिट के बारे में रहते हैं, नुकसान नहीं झेल पाते हैं। पर लेकिन गवर्नमेंट को भी सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए, जैसे कि यहां पर अकेला इंसान क्या कर लेगा, मतलब अकेला हॉस्पिटल क्या कर लेगा, गवर्नमेंट यहां पर उसको फैसिलिटी देनी चाहिए, क्योंकि पैसे तो वो लोगों से ले नहीं रहे, तो अगर वो अपना काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ, नर्स भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इक्विपमेंट भी लाने हैं, दवाइयां भी लानी है, ऑक्सीजन सिलेंडर लाने हैं, जो बिल्डिंग है उसमें इंप्रूवमेंट करना है, कुछ और गाड़ी वगैरह एंबुलेंस वगैरह, तो पैसा कहां से आएगा इतना सारा, तो बेसिकली पैसा लोगों से वो लेंगे नहीं ज्यादा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहां पर सोच रही है कि ऐसे हॉस्पिटल को सपोर्ट किया जाए, तो नीति आयोग ने रिपोर्ट तैयार की है। ठीक है, आगे बात करते हैं स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनके द्वारा लॉन्च किया गया निपुण प्रोग्राम। तो पहले तो आप लोग फुल फॉर्म जानिए, इसको बोलते हैं नेशनल इनिशिएटिव फॉर, ये है यहां पर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, तो एक तरीके से पढ़ने में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और न्यूमरेसी में भी, यानी कि मैथमेटिक्स वगैरह के भी अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इंश्योर कर रहे हैं एक फाउंडेशन लिटरेसी होनी चाहिए बच्चे के अंदर में। तो राइट टू एजुकेशन के तहत यहां पर ये फाउंडेशन स्टोन रखने की बात की जा रही है, जो कि आर्टिकल 21 के तहत आप लोगों को देखने को मिलती है। डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया कई बार इसके बारे में कि राइट टू एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था 2002 में चेंज करके, फिर एक एक्ट बना दिया जिसके चलते इसको इंप्लीमेंट किया गया 2009 के अंदर में, ताकि बच्चों को उनके हक प्रोवाइड कराया जा सके आर्टिकल 21 ए के तहत। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। आगे बात करते हैं सेपरेट जो यहां पर लाइट, जो बेसिकली सेपरेट इंसिडेंट लाइटनिंग के बारे में बात करें, जो लाइटनिंग यानी कि बिजली कड़कना देश के अंदर, तो इसके बारे में किसके द्वारा बताया जाता है, तो ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट पुणे के अंदर में, तो उसके द्वारा लाइटनिंग थंडर स्टॉर्म जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं यहां पर कल्चर मिनिस्ट्री जो है ये है यहां पर जी कृष्ण रेड्डी के अंदर में, इनके द्वारा अभी क्या बोला गया कि हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे जो रिकॉर्ड रखे हुए हैं जिनको सहज कर रखने की जरूरत है, उनको शिफ्ट भी किया गया। अभी यहां पर जब नया ढांचा बनाने की बात की गई तो नेशनल आर्काइव जो रिकॉर्ड है वो फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड उनको बोला गया कि डिजिटलाइज किया जाएगा। 75 भी आ जाएगी थी कि सैलगिरा हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसी के चलते यहां पर बोला जा रहा है कि इन चीजों को डिजिटलाइज किया जाएगा, ताकि ये रखी रखी खराब हो जाए तो आगे आने वाले जनता को न मिले, तो जनरेशन तक ये चीजें रखी रहनी चाहिए, उनको पता रहना चाहिए कि हमारा जो इतिहास था वो कितना गरिमामान था, उसको आगे लेकर चले। तो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, तो यहां पर एक अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में, 1991 में यहां पर बेसिकली चीजें एस्टेब्लिश की गई थी कोलकाता में इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के तहत यहां पर। ठीक है, फिर आगे चलकर इसको ट्रांसफर कर दिया गया कोलकाता से दिल्ली, यहां पर 1911 यानी कि जब दिल्ली जब कैपिटल ट्रांसफर हुई तो ये भी साथ में ट्रांसफर कर दिया। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया ये कंस्ट्रक्ट एक तरीके से किया गया 1926 में प्रॉपर तरीके से दिल्ली के अंदर में। 50 लाख के करीब फाइल डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड यहां पर रखे गए हैं जिनको सहजना काफी ज्यादा जरूरी है, तो उसी को अच्छे से आगे यूज करने की बात की जा रही है। छोटी छोटी एक लाइन की न्यूज है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो अभी यहां पर इसी के द्वारा बोला गया कि एक तरीके से यानी कुछ आइडिया लगाया गया आने वाले टाइम में कि कितना यहां पर बेसिकली शेड्यूल कमर्शियल जो बैंक है उनके अंदर नॉन परफॉर्मिंग, यहां पर बेसिकली ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि जो पैसा जो है वो बर्बाद हो जाता है, तो ये बोला जा रहा है कि 11.2% हो जाएगा 7.8 से बढ़कर कोविड-19 के चलते। तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बताया गया जो कि आरबीआई के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अगर दो राज्य के बीच में लड़ाई हो रही है पानी को लेकर तो आर्टिकल 262 ये आता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के मामले में। अगर बात करें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर कृष्णा रिवर को लेकर डिस्प्यूट था, कई सारे और भी डिस्प्यूट हैं, एक का नाम आप लोग भी बताइए याद है किसी का, देखता हूं किसको याद है। केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा बोल्ड बात की जा रही है बैम्बो ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रोथ, तो यहां पर अभी ये एक मिशन स्टार्ट किया गया उदय जो बेसिकली उदयपुर राजस्थान के अंदर में 5000 के करीब जो बैम्बो यानी कि बांस के सैंपल लाए गए आसाम से और उनको लगाया जा रहा है,
तो बोल्ड मिशन के तहत ये केवीआईसी यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ये काम कर रहा है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में। कई सारे लोगों ने बोला कि स्पेस में जाना है, तो रिचर्ड बैनसन जो है वो बेसिकली स्पेस बैनसन जो है वो स्टोट में पहुंचे, ये बेसिकली स्पेस में पहुंचे जेफ बेजोस को बीट करने के लिए, क्योंकि पहले जेफ बेजोस के द्वारा बोला गया था वो जाएंगे। तो अमेज़न के फाउंडर को बीट कर दिया, पर लेकिन इनके द्वारा ओनली 86 किलोमीटर तक ये पहुंचे। नॉर्मली ये माना जाता है कि कर्मन लाइन जो है यहां पर ये उससे क्रॉस करना चाहिए, तभी आप लोग स्पेस की विजिट मानी जाती है। तो 100 किलोमीटर की है और जेफ बेजोस जो है वो 106 किलोमीटर घूम कर आए। तो जेफ बेजोस की जो कंपनी है वहां पर, जिसका नाम है ब्लू ओरिजन, वो 106 किलोमीटर घूम कर आए और रिचर्ड बैनसन जो है वो थोड़ा सा पहले से ही आगे। तो अभी यहां पर इसके चलते भी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि कौन सी स्पेस फ्लाइट मानी जाएगी। तो नाम तो इन्होंने भी अपना दर्ज करा लिया है, पर लेकिन जो भी है वो चीजें हैं आप लोगों के सामने यहां पर। तो कर्मन लाइन जो आप लोगों से पूछे कहां पर है, तो थर्मोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अभी यहां पर जीका वायरस काफी ज्यादा न्यूज में था केरला के अंदर भी। तो जीका वायरस जो है मॉस्किटो बोन यानी कि मच्छर जनित बीमारी है। एंडीज मॉस्किटो जब यहां पर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को काटती है, प्रेग्नेंट वुमेन जब यहां पर बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे का जो साइज रहता है सर का वो नॉर्मल नहीं रहता है, वो आप लोगों को छोटा देखने को मिलेगा। तो यहां पर इसको माइक्रोसिफेली बीमारी के नाम से इसको जाना जाता है। एवरेज हेड साइज कम हो जाता है, इसी के साथ में फेलियर ऑफ ब्रेन भी होता है, कई बार इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। तो जीका वायरस की वजह से जो एंडीज इजिप्टी जो मॉस्किटो है वो बेसिकली यहां पर ये बीमारी फैलाते हैं। सेक्सुअल मिशन के थ्रू भी यहां पर जीका वायरस जो है वो पॉसिबल है। एक पर्टिकुलर पर्सन को जीका वायरस की बीमारी है, वो किसी के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाता है, तो ये भी पॉसिबल है। अगर स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ ले तो कंफ्यूज मत होना। अगर बात करें तो फीवर, स्किन, मसल पेन, वो सारी चीजें, और 2 से 7 दिन के अंदर काफी ज्यादा सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो अगर कोई भी बीमारी है, आज के डेट में रिस्क लेने का तो मतलब बनता नहीं है, तुरंत जाओ और दिखा कर आओ, ठीक है। इसी के साथ में जीका वायरस के साथ में पेगासस वायरस का भी नाम याद रखिएगा। इसके बारे में पूछे कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा ये बनाया गया, तो NSO ये ग्रुप है यहां पर इजराइल का, इसके द्वारा ये बनाया गया। एंड्रॉइड और जो यहां पर iOS दोनों में काम करता है ये आज के डेट में, और जीरो क्लिक पर काम करता है, यानी कि आप लोग अगर अकाउंट में मोबाइल में व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पर मिस कॉल करेगा, ये अपना आपको इंस्टॉल कर लेगा और वो कॉल रिकॉर्ड भी डिलीट कर देगा। कॉन्टैक्ट, फोटो, कैलेंडर, ईमेल, जीमेल, फीमेल, सीमेल, जो भी आप लोगों के मोबाइल में, सारी चीजें कंट्रोल कर लेगा और उसके बाद में अपने एग्जिस्टेंस को भी खत्म कर सकता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर आया भी था, ऐसा खतरनाक ये वायरस है। कई सारे लोगों के खिलाफ यूज करने के अभी आरोप लगाए गए गवर्नमेंट में, क्योंकि इसराइल की गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम लोग गवर्नमेंट को ही ये वायरस बेचते हैं ये बेसिकली, ताकि वो टेररिस्ट को कंट्रोल कर सके, पर लेकिन हमारी कंट्री में अभी ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गया था। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। आगे चलते हैं। यहां पर इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट किया गया फर्स्ट कंसाइनमेंट किसका, ये महाराष्ट्र के अंदर से निकल कर आया बेसिकली यहां पर ड्रैगन फ्रूट जिसको आप लोग नॉर्मली कमलम भी बोलते हैं, ठीक है। तो कमलम भी इसका नाम दिया गया, वैसे इसको यहां पर साइंटिफिक वे में जो बोलते हैं इसको हेलोरिसिस बेसिकली ये एडेंटस, ठीक है। तो इसका नाम है यहां पर अटपटा, थोड़ा सा साइंटिफिक नेम आप लोग को ऐसे ही देखने को मिलेंगे, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो अभी ना हम लोगों ने कहां पर बेचा है, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बेचा गया, कहां से, महाराष्ट्र से। इसी के साथ में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR जो है उसके द्वारा एंटी मेथेनोजेनिक ये फीड बनाया गया जो जानवरों के लिए, इसका नाम रखा गया हरित धारा। हरित धारा का मतलब क्या है, अगर जानवर इसको खाते हैं तो उसके बाद में जो 17 से 20% एमिशन जो है CO2 का वो कम देखने को मिलेगा और मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये बोला गया, तो इन्वायरमेंट को भी फायदा और दूध को भी फायदा, तो किसानों को फायदा, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, हम क्या गुठलियों के दाम। आगे बात करिए, काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में थे, न्यूज पुरानी है पर फिर से न्यूज में आ गई बार बार। हमारी कंट्री में कोर्ट के अंदर एक डिसीजन आया था जिसको बोला गया था श्रेयस एंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2015 में। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 का एक एक्ट, एक सेक्शन है जिसको सेक्शन 66A बोलते हैं। इसमें क्या, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन यहां पर किसी पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई कमेंट करता था सोशल मीडिया पर, उसको घर से उठाकर पुलिस ले जाती थी और जेल में डाल देती थी। यानी कि कमेंट किया तो ऐसा लग रहा है कि भगवान के क्या, अल्लाह बोर्ड के खिलाफ कुछ बोल दिया, तो उसको उठाकर ले गए। पॉलिटिशियन के खिलाफ कुछ बोलते ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो फंडामेंटल राइट का हनन है, तो इसको हटा देते हैं यहां से। हटाने के बाद भी 2015 से 2021 में इसको काफी लार्ज स्केल यूज़ किया जा रहा है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा बोला गया स्टेट और यूनियन टेरिटरी, बदतमीजी करना छोड़ दो, हद हो गई, बहुत यूज कर लिया, ये ऑलरेडी हट चुका है तो फिर क्यों यूज कर रहे हो उसको। तो उसके चलते एक कंट्रोवर्सी में आ गया था। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर ये भी काफी एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी जो न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड 2020, ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई। कोविड 19 के चलते काफी ज्यादा खस्ता हालत लोगों की देखने को मिली, भुखमरी का शिकार जो लोग हैं होते हुए नजर आए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो सेकेंड है जो भुखमरी के बारे में बात करता है, और पहला है जो यहां पर पॉवर्टी के बारे में बात करता है। तो यहां से क्या बात निकल के आई, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले तो ये रिपोर्ट अगर पूछेगा तो बहुत लंबी लिस्ट उसको देनी पड़ेगी,
क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। पांच लोग हैं ऑलरेडी यहां पर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन सबने मिलाकर देखा कि कोविड 19 ने कितने लोगों को भूखा मार दिया, तो उसके चलते फूड सिक्योरिटी कितने लोगों की सही और कितने की घट गई। तो डेवलपिंग कंट्री में और डेवलप कंट्री में क्या डिफरेंस है वो देखा गया, लो इनकम या मिडिल इनकम कंट्री में क्या क्या दिक्कत चल रही है वो जाना गया, उसके बेस पर बोला गया कि यार इनकी हेल्प करनी पड़ेगी वरना भूखे मर जाएंगे। ठीक है, काफी कंट्रोवर्शियल न्यूज बनी जो कुंद्रा है इनके बारे में, राज कुंद्रा, कि ये बेसिकली जो नहीं एक तरीके से यहाँ पर जो क्या बोले एक तरीके से एडल्ट मूवी बनाते थे, खासकर उनको एक तरीके से मिसयूज किया जाता था। अगर किसी को काम चाहिए तो उसको फोर्स किया जाता था कि एडल्ट मूवी बनाओगी तो मैं तुमको मतलब ये कर देंगे वो कर देंगे, तो सारी चीज देखने को मिली। तो अभी यहाँ पर इनके खिलाफ कंप्लेन की गई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसके चलते काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी बनी। क्या हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूशन जो है पोर्नोग्राफी इलीगल है? जी हाँ, इंडिया के अंदर इलीगल है, सेक्शन 292-293 आईपीसी के तहत यहाँ पर ये। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या इलीगल है? जी हाँ इलीगल है, स्ट्रिक्टली इलीगल है, सेक्शन 67 बी इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट 2000, जिसके बारे में अभी मैंने बात की। इसी के साथ में यहाँ पर जो यहाँ पर पोस्ट एक्ट है हमारी कंट्री में 2012 का, जिसके चलते चिल्ड्रन के लिए पोर्नोग्राफी ये बिल्कुल इंप्रिजनमेंट की कैटेगरी में भी आता है। ठीक है, इनके द्वारा ये गंदी बदतमीजी वाली हरकतें की गई हैं, पर लेकिन ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहे थे? क्योंकि डिमांड है इसकी। तो आज के में लोग भले ही कितना भी क्यों ना अपने आप को साधु संत बता ले, पर लेकिन आप लोगों को 90% के करीब लोग जो हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो इनके ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि इसके लिए ना इच्छा शक्ति लगती है यार। इंसान को इसके लिए अपने आप को काबिल बनाना पड़ता है कि ऐसे थॉट माइंड में ना आए, वो अपने आप को फोकस कर सके। मेरे लिए अगर मैं आप लोगों को बात करूं, सबसे आसान तरीका है इसको कंट्रोल करने का कि आप लोग अपने आप को बिजी कर दीजिए अपने कामों में। आप लोगों को सोने से पहले पता होना चाहिए कल क्या क्या काम करना है, अपने आप को इतना बिजी कर दो उन कामों के अंदर क्या कि ये काम की भावना आप लोगों के अंदर ना है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जरूरी है, क्योंकि एक एज होती है जिसमें हर एक इंसान, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर एक के अंदर ये चीजें आएंगी। पर लेकिन जिसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया और सही टाइम पर कंट्रोल कर ले गया, वो जिंदगी में ऐसी जगह पहुंचेगा जहां किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो इसलिए ये एनर्जी जो है उसको सही जगह लगाओ, फालतू की चीजों में नहीं। ठीक है, तो ये यहां पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आप लोग सीखोगे। आगे बात करते हैं, यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा जिसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था। इसको बोले एमविलो। तो आप लोगों से पूछे कि EMVOLIO, ये एमविलो क्या है? ये बेसिकली एक छोटा सा फ्रिज है जिसके अंदर दवाई रखी जाती है। गांव में अगर गांव में भैंस और गाय का डॉक्टर जो आता है, आप लोगों ने देखा होगा, मोटरसाइकिल पे बराबर में डब्बा टांगे रखता है, उसके अंदर इंजेक्शन रहते हैं, तो वो एक फ्रीजर सा यूज करता है छोटा सा। तो उसी का एक ये सिस्टम बनाया गया हमारी कंट्री में, क्योंकि अब तक बाहर से खरीद रहे थे हम लोग ये, तो अपनी ही कंट्री बनाया गया भारत इंस्टीट्यूट जो बेसिकली सॉरी बायोटेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, जिसको BIRAC बोलते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो आप लोग बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इनके द्वारा यहां पर ये काम किया गया और ये डेवलप किया गया, जिसका नाम रखा गया एमविलो। ठीक है, तो ये एक तरीके से पोर्टेबल है, एक जगह दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, बैटरी ऑपरेटेड है, जी हाँ बिल्कुल सही, और रेफ्रिजरेटर डिवाइस है यहां पर। एक बार चार्ज करने के बाद में इसको लंबे समय तक बेसिकली चलाया भी जा सकता है, लगभग 12 घंटे तक आप लोग टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं कोई दवाई अगर यूज करनी है तो। तो ये कोविड 19 की जो दवाइयों के लिए भी इसको बेसिकली अभी न्यूज में था यहां पर कि आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, तो उसकी वजह से भी यहां पर ये न्यूज में था। तो यहां पर ये ISO जो यहां पर सर्टिफिकेट से सर्टिफाइड किया गया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसको बनाया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, मेड इन इंडिया है, तो इसके चलते ये न्यूज में आ गया है। आगे बात करें तो रेगुलर MTech प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है, डिफेंस जो बेसिकली टेक्नोलॉजी के बारे में। तो अभी हमारी कंट्री में जो DRDO है उसके द्वारा बोला गया कि डिफेंस से रिलेटेड एक प्रोग्राम चलाया जाएगा, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं डिफेंस से रिलेटेड प्रोग्राम, यानी कि आप लोग आज के में डिफेंस से रिलेटेड अगर प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो हमारी कंट्री में भी उसके लिए चीजें जो है वो अवेलेबल रहेंगी, तो ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। तो यहां पर ये बेसिकली एक्सपीरियंस नॉलेज स्किल के बेस पर अच्छी बात है कि हमारी कंट्री में डिफेंस MTech आप लोगों को टेक्नोलॉजी के अंदर देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं सारंग हेलीकॉप्टर। तो सारंग हेलीकॉप्टर बेसिकली ये कर्तव्य दिखाने वाले हेलीकॉप्टर हैं, जब कोई 26 जनवरी 15 अगस्त कुछ ऐसा कहीं देश में जाते हैं तो ये अपना कर्तव्य दिखाते हैं, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इंडियन एयर फोर्स का जो ये सारंग है यहां पर ये अभी बेसिकली यहां पर काफी लंबे समय से अगर बात करें तो इसके बारे में बात करें तो इसके द्वारा एक 2004 बेसिकली 4 में यहां पर ये एक तरीके से फर्स्ट एरोस्पेस 2003 में इसको बेसिकली लाया गया था, तो ये न्यूज में आ गया था अभी फिलहाल। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इसको यूज किया तो फिर से भी न्यूज में आ गया, क्योंकि इसको यहां पर रसिया जाना था, रसिया में भी यहां पर जुकोवसी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर इसको जाकर एक एयर शो दिखाना था, तो यहां पर इसके चलते ये न्यूज में था, तो इसके बारे में भी याद रखते हैं, तो ये न्यूज में आ गया, तो याद रखिएगा थोड़ा सा इसके बारे में, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, वैसे अगर ओलंपिक के बारे में बात करें, आप लोगों को पता है ओलंपिक काफी लंबा चला, पर फिर भी यहां पर ओलंपिक जो है अगस्त के महीने में भी आप लोगों को देखने को मिला, पर लेकिन हम लोग ये जुलाई के महीने की अगर बात करें
तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, टोएक 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो यहां पर हमको जो मीराबाई चानू के द्वारा यहां पर ये मेडल दिलाया गया था, तो इसके चलते मैं आप लोगों को थोड़ा सा अगर सारे मेडल के बारे में बता दूं यहां पर, ठीक है। तो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक यहां पर नॉर्मली चला था। तो मैरी कॉम जो थी यहां पर ध्वजक रोहत थी, इसके साथ में यहां पर मैरी कॉम के साथ में एक और इंपोर्टेंट पर्सनलिटी मनप्रीत सिंह और बजरंग पुनिया थे यहां पर फ्लैग बियरर क्लोजिंग सेरेमनी में। तो 48th रैंक पर रहे हमारी कंट्री के द्वारा, 7 मेडल टोटल इसके अंदर जीते गए, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ये याद रखनी है। वैसे अगस्त के महीने में भी जब यहाँ पर न्यूज के अंदर इसको कवर किया जाएगा, बजरंग पूनिया थे यहाँ पर हरियाणा के लाल, रेसलिंग में जीते यहाँ पर ये। हॉकी जो थी हमारी, हॉकी टीम जो थी उसके द्वारा स्पोर्ट में जीता गया बेसिकली ब्रॉन्ज मेडल। इसी के साथ में लवलीना के द्वारा जीता गया यहाँ पर वेट लिफ्टिंग में आसाम से, ठीक है। पीवी सिंधु के द्वारा यहाँ पर जीता गया बैडमिंटन के अंदर में। ये सारे आप लोगों को पता ही है। वैसे आप लोगों को मीराबाई चानू यहाँ पर स्पोर्ट की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिली, ठीक है। और बाकी यहाँ पर रवि कुमार दहिया के द्वारा यहाँ पर ये सिल्वर मेडल देखा गया, ठीक है। और नीरज चोपड़ा तो आप लोग जानते ही हैं, कोई बोलने वाली बात ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये अलग अलग मेडल देखने को मिले। तो 2 सिल्वर, 1 जो गोल्ड और 4 थे ब्रॉन्ज मेडल। तो 7 मेडल थे टोटल मिलाकर, 48 रैंक थी हमारी, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आप लोगों को यहां पर दे दिया इसके बारे में कंप्लीटली। इंपोर्टेंट न्यूज थी यहां पर, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा यहां पर इनॉग्रेट की गई आजाद की शौर्य गाथा। तो चंद्रशेखर आजाद जी से रिलेटेड थे यहां पर, आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये चीजें सेलिब्रेट करना बनता है। तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट के अंदर ये चीजें सेलिब्रेट की गई। चंद्रशेखर आजाद 1906 से लेकर 1931 तक यहां पर इनका टाइम ड्यूरेशन रहा। इंडियन रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ में ये कनेक्टेड थे और फ्री पॉपुलरली आजाद बोला जाता था, क्योंकि इनके द्वारा बोला गया था कि मैं आजाद ही रहूंगा हमेशा, ठीक है। खादी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है देश में। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में बात करें तो उसने अभी भूटान, यूएई और मेक्सिको को अभी यहां पर अपना जो बेसिकली खादी ब्रांड है वो एक तरीके से रजिस्टर करा लिया है इन कंट्री में। ऑलरेडी कई सारी कंट्री में ऑलरेडी हमारा खादी ब्रांड एस्टेब्लिश है, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना, ईयू, यूरोपियन यूनियन। तो टोटल मिलाकर 9 कंट्री ऐसी होगी जहां पर आज के दिन में आप लोगों को हमारा खादी ब्रांड देखने को मिलेगा। काम कौन करता है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इसके लिए काम करता है, तो इंपॉर्टेंट है याद रखना। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों से कोई पूछे मत्स्य सेतु किसके बारे में, तो ये फिशरी फार्मर के बारे में। हमारी कंट्री में 9 ऐसे कोस्टल एरिया हैं जिनके बारे में आप लोग याद रखेगा जहां पर फिशरी से रिलेटेड चीज देखने को मिलती है। तो यहां पर एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा ये काम किया जाता है। इंडियन नेवल शिप जो है तलवार, उसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। मल्टीनेशनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज के अंदर कटलेस के बारे में याद रखेगा। एक्सरसाइज कटलेस जो है बेसिकली एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, तो ये ईस्टर्न अफ्रीकन और वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर देखने को मिलती है, यानी कि पर्टिकुलर ये जो रीजन है यहां पर देखने को मिलेगी अरेबियन सी में, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया बेसिकली दूसरी साइड बे ऑफ बंगाल वाला रीजन। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी 2021 का जो एडिशन है यहां पर, ये यूएसए, यूके, इंडिया और 13 अफ्रीकन कंट्री थी जिनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। कुछ बीमारी और कुछ और चीजों के बारे में यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा निमोनिया को बोला गया सेकंड लार्जेस्ट जो बेसिकली डेथ करता है यहां पर बच्चों की, आफ्टर अगर बात करें प्री मैच्योर जो डेथ होती है लो बर्थ की वजह से, तो ये हमारे देश में काफी बड़ी इंपैक्ट डालता है। नेक्स्ट यहां पर जो टाइफून इन्फा, तो ये याद रखिएगा चाइना में काफी इंपैक्ट डाला। टाइफून फाबिन इसको फिलिपिन के अंदर बोला गया, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले कर रहा था, काफी त्रासदी क्रिएट करके गया चाइना के अंदर में। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 2019 में यहां पर 229 मिलियन के करीब केस हैं और 2% अकेले इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट यहां पर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यहां पर बेसिकली फ्लेक्स इंजन के बारे में, ठीक है। तो यहां पर फ्लेक्स इंजन जो है यहां पर इसमें बोला गया कि 80% तक यहां पर इथेनॉल वगैरह यूज की जा सकती है, तो एनवायरमेंट को फायदा पहुंचाने वाला। तो यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि इस इंजन को ज्यादा से ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाए ताकि हम लोग दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी घटा सके, तो एक अच्छा तरीका था। 12वां एडिशन यहां पर जो इंदिरा एक्साइज है इंडिया और रशिया के बीच में, तो देखने को मिली। तो इसके चलते यहां पर काउंटर टेररिज्म एक्साइज है यूनाइटेड नेशन के हिसाब से होती है, 2003 में स्टार्ट की गई थी। 2017 में ट्राइलेटरल एक्साइज हुई जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। कुछ और इंपोर्टेंट एक्सरसाइज के नाम याद रखिएगा, अलग अलग क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं। गरुड़ा शक्ति इंडोनेशिया के साथ में है, यहां पर इक्विरिन ये मालदीव के साथ में है, हैंड इन हैंड चाइना के साथ में, कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ में, मैत्र शक्ति यहां पर श्रीलंका के साथ में, नोमेडिक एलिफेंट यहां पर बेसिकली है मंगोलिया के साथ में, यहां पर शक्ति है फ्रांस के साथ में, सूर्य किरण है नेपाल के साथ में, युद्ध अभ्यास है यूएसए के साथ में। तो ये एक्सरसाइज है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। काफी ज्यादा न्यूज में था यहाँ पर, यूनियन कैबिनेट के द्वारा डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी जो कॉपरेशन बिल यहाँ पर लाया गया 2021, जिसमें यहाँ पर बोला गया कि बिल जो कवर करेगा 98% के करीब जो डिपॉजिटर हैं और 50.9 जो डिपॉजिट वैल्यू है उसकी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास में जो मनी है 5 लाख से नीचे यहाँ पर वो बैंक के अंदर रखते हैं। 80 से यहाँ पर 80 बेसिकली हमारी कंट्री में अबव ग्लोब है, यहाँ पर हम लोग 80%,
जबकि 20-30% यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ पर पहले 1 लाख रुपए दिए जाते थे, कल को कोई बैंक डूब जाता है, जैसे कि पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव, यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, ये डूब गए, तो यहाँ पर अगर इनके अंदर कोई कस्टमर है, कोई यहाँ पर अपना अकाउंट खुलवे, तो 5 लाख रुपए मिलेंगे 90 दिन के अंदर उसको, अगर उसके पैसे के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें बोलेगी, तो यहाँ पर ये अच्छा तरीका है, वरना लोगों का ट्रस्ट उड़ जाता बैंक के अंदर कोई पैसा ना रखता। रशिया स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस, याद रखिएगा, इसके द्वारा यहाँ पर नौका, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर यहाँ पर सिस्टम को एस्टेब्लिश करने की बात की गई। तो यहाँ पर जो नौका, इसका मतलब होता है साइंस इन रशिया, ठीक है। आर्टिकल है आर्टिकल 105 यानी कि 105, आर्टिकल 194 यानी कि 194, तो स्टेट असेंबली के लिए 194 और पार्लियामेंट के लिए 105। इसका मतलब यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच रहती है पार्लियामेंट के लिए जो मेंबर होते हैं, और यह मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है यानी सांसद और विधायक के लिए, और यहां पर राइट टू पब्लिकेशन इट प्रोसीडिंग रहता है, यानी कि अगर वो कुछ वहां पर कुछ काम करते हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, ये उनको राइट दे रखे हैं इसके अंदर बेसिकली, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, नवीन पटनायक उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा डिक्लेयर किया गया कि पूरी कंट्री के अंदर पहली एक ऐसी सिटी बन गई है पूरी, जहां पे पूरा तौर पर ड्रिंकिंग वाटर जो है वो आप लोग नल से पी सकते हैं, टैप से पी सकते हैं, पहली मेट्रोपॉलिटन ऐसी सिटी देश के अंदर बन गई है। लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर के बाद में ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। 2.5 लाख सिटीजन जो पूरी के अंदर है, और 2 करोड़ के करीब जो टूरिस्ट आते हैं उनको फायदा होगा। प्लास्टिक की बोतल भी काफी कम हम लोग कर पाएंगे यहाँ पर पूरी के अंदर, यहाँ पर 400 लोकेशन के करीब यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही है, 400 मिलियन प्लास्टिक कम होगी। तो ऐसे यहाँ पर 16 और अलग अलग अर्बन सेंटर इनके द्वारा डेवलप करने की बात की है, उसकी वजह से भी यहाँ पर ये न्यूज में था। काफी बड़ा रोल देखने को मिला टोक्यो ओलंपिक के अंदर में, यहाँ पर इसको बोला गया यूनिटार्ड और लियोटार्ड। तो यहाँ पर जो यूनिटार्ड लियोटार्ड बेसिकली ये ड्रेस है यहाँ पर जो देखने को मिलेगी, तो महिला जो ये वाली ड्रेस पहनती है बोलता है कि यहाँ पर सेक्चुअली उनको प्रदर्शित करना पड़ता है यहाँ पर, तो इसके चलते यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रेस प्रस्तुत करती हुई नजर आई, यानी कि वो बिकनी वाली ड्रेस नहीं पहननी पड़ी यहाँ पर, तो इसके चलते ये एक काफी बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर दिखाया गया कि ओलंपिक के अंदर सेक्सुअलाइजेशन का स्पोर्ट नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सा अलग रखना चाहिए। तो जर्मन की वुमेन इस तरीके सामने निकल कर आई, तो ये अच्छा एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं चीजों को टैकल करने का। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के द्वारा दलित बंधु करके एक स्कीम सामने लाई गई, इंपोर्टेंट है याद रखिएगा, के चंद्रशेखर राव के द्वारा बोला गया 80,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक का खर्चा आने वाला है, जिसके चलते अगर कोई दलित कम्युनिटी से कोई आता है बाहर निकलकर 10 लाख तक का फैमिली को दिया जाएगा अगर वो कोई बिजनेस करना चाहता है तो तेलंगाना की स्कीम है दलित बंधु, तो इंपोर्टेंट है याद रखना। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग देखने को मिली यहां पर दुशान्बे तजाकिस्तान में, डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, पीस और सिक्योरिटी और टेररिज्म को खत्म करने की बात यहां पर की गई, तो देखते हैं कितना जल्दी से खत्म कर पाते हैं। ये भी काफी कंट्रोवर्शियल न्यूज थी, यहाँ भी क्वेश्चन आप लोगों से बनने के चांसेस हैं। बात की जा रही है यहाँ पर भागीरथी अम्मा के बारे में, भागीरथी अम्मा की रिसेंटली अभी डेथ हुई, तो यहाँ पर उसके चलते ये न्यूज में आ गई थी, 22 जुलाई को इनकी डेथ हुई। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा भी ट्रिब्यूट पे किया गया, रेस्पेक्ट पे किया गया, 105 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई, और नारी शक्ति पुरस्कार इनको मिला इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर। कब होता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, याद है आप लोगों? नहीं याद है तो चलिए जाकर देखिए, मुझे बताइए, ठीक है, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। इंटरनेशनल वुमेन्स जो है यहाँ पर बेसिकली ये यहाँ पर कोलम डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर से बिलोंग करती थी, 105 उम्र में इनकी डेथ हुई, और इनके द्वारा ये सबसे वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन बन गई है जिनके द्वारा अपना बेसिकली एजुकेशन को आगे करने की बात की गई। तो इनके द्वारा यहाँ पर 275 में से 205 नंबर लेकर आए गए मलयालम लैंग्वेज में, इन्वॉल्वमेंट साइंस और मैथमेटिक्स को लेकर जब इन्होंने एजुकेशन स्टार्ट की, इसलिए कहते हैं पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, और वो आप लोगों ने यहां पर भी देख ली, हां कि ना? आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में तो आप लोग बताएगा। तो जब अम्मा जी पढ़ सकती हैं तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? तो अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ यहाँ पर इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है। लेक्चर कैसा लगा यहाँ पर, ये बेसिकली 12 से 13 घंटे की जो मेहनत है इसको आप लोगों को रेट करने में ओनली 10 से 12 सेकंड आप लोगों को लगेंगे, या फिर 5 सेकंड आप लोग बोल सकते हैं। तो आप लोग इसको रेट कीजिएगा 10 में से कितने मार्क्स आप लोग देंगे, कोई सजेशन हो तो वो भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। काफी एक तरीके से ये रिविजन करेंगे तो काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा एक ही वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और पुराने लेक्चर जरूर देख लेना, रिविजन जरूर कर लेना, एग्जाम में बहुत फायदा पहुंचाएंगे। और जब एग्जाम देकर आया करो तो बताया करो कैसा रहा एग्जाम, सिलेक्शन होता है तो उसको मेल सेंड किया करो जरूर, उससे दिल को तसल्ली मिलती है कि हाँ बेसिकली अगर आप लोगों को एक तरीके से काम आ रहा हूं मैं कहीं ना कहीं। और बाकी ये जो दो वीडियो है ये आप लोग जरूर देखिए, ये शाम को 9 बजे आती है नैनो मैगजीन, और ये सुबह को 7 बजे आती है हिंदू। अगर ये देख रहे हैं तो फिर ये जो वीडियो देखेंगे आप लोग रिवीजन वाली, ये कंप्लीट मंथ वाली, इसको देखने में आप लोगों को मजा आ जाएगा, क्योंकि एक तरीके से ये आप लोगों की रिवीजन की वीडियो हो जाएगी जब आप लोग ये वीडियो देख लेंगे, तो यहां पर और आप लोग लंबे समय तक चीजों को याद रख पाएंगे। तो ये था आज की इस वीडियो का पूर्ण विराम, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, तो बताइएगा जरूर। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए जय हिंद।